गुड आफ्टरनून जी। चैप्टर 7 में आज हम चलाएंगे, पहला एक्सरसाइज 7.1 में चलेंगे। पहला ही टॉपिक इवेंट और वेज हम किसको बोलते हैं और हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो ये इस टॉपिक करते हैं, बुक्स होनी चाहिए सबके पास, है ना आपके पास बुक होनी चाहिए, बिना बुक के नहीं होगा अभी। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म्स आएंगी अब जितनी भी है। तो पहले तो दूसरी करवा रही मैंने, अरेंजमेंट कैसे करते हो, फैक्टोरियल क्या था, अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन और सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, उसकी एक्सरसाइज तो होगी हमारे पास। अब जो आ रही है वो क्या है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे आज उसके लिए चलेंगे। बुक होनी चाहिए पहले बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास इवेंट। इवेंट आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, वो कहाँ, प्रोबेबिलिटी में, याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक डाइस को फेंको, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, आ डाइस इज थ्रोन, आ डाइस को थ्रोन करो, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग, वहाँ आपने पढ़ा एन इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर। तो जब डाइस को थ्रो करते टोटल केस हो गए 6, इवन नंबर को बोलते हो 3, इवन नंबर आना क्या था, इवेंट था, याद करो कौन कौन से इवन, 2, 4, 6, डाइस फेंकते तो क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 केस बने। इवन के लिए 3 फेवर में किया तो प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, फेवर अपॉन टोटल, अगर आपको याद हो तो 3/6। तो ये एक क्या था उसमें, एक इवेंट का काम ही कर रहा था, वही है। इवेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए से बी से, बेसिक परमुटेशन का सबसे बेसिक है इवेंट और वेज। जब आप इवेंट और वेज सीखेंगे तभी आप क्वेश्चनों में लगाना सीखेंगे, किस तरह से इवेंट दिया हो तो उसका हम आंसर किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो वेज होते हैं तरीके। तो किसी भी कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, नोटेड बाय कैपिटल लेटर से, कोई भी कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर नहीं यूज करना, कैपिटल ए से, बी से, सी से, कैपिटल एक्स से, कैपिटल वाई से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से नहीं, एटसेट्रा। डिफाइनमेंट्स, कहते हैं द वर्क you want to do in a question, किसी question में जो काम आपको दिया जाए उस काम को हम event बोलते हैं। जैसे example, throwing a dice, getting an even number, कहते example a person want to cross the whole room, where there are 2 entrance door, एंट्री करने के लिए 2 entrance door थे, and 3 exit door, एक हॉल रूम है, मान लो कहीं भी आप पार्टी हॉल में जा रहे हो, एंट्री यहाँ से हो रही है, 2 एंट्रेंस डोर लिखे हुए, एंटर 1 एंटर 2, जैसे आप थिएटर में जाते हो, और एग्जिट करने के लिए अलग होते हैं, एग्जिट 1, एग्जिट 2, एग्जिट 3 है। तो एंट्री आप यहाँ से कर सकता है, कोई यहाँ से कर सकता है। तो कहते हैं इसमें इवेंट क्या है, इसमें इवेंट क्या है, इवेंट हिसाब लिखा है पर्सन वांट टू क्रॉस अ हॉल, तो क्या करना चाहता है, एक पर्सन इस रूम, इस हॉल रूम को क्रॉस करना चाहता है। इवेंट क्या हो जाएगा, ए बी द इवेंट दैट पर्सन वांट टू क्रॉस द हॉल, ऐसे हमें तुम्हें हर क्वेश्चन में ढूंढना, हर क्वेश्चन का तुम्हें इवेंट खुद ढूंढना है जो उस क्वेश्चन में दिया हो। जैसे एग्जांपल है, 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको, 3 डिजिट नंबर बनाना है बाय यूजिंग, किसको यूज करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को यूज करके। तो इसमें इवेंट क्या होगा, इस क्वेश्चन में मान लो बी भी इवेंट माना, क्या बनाना है आपको, सोचो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को यूज करके, तो ये इवेंट थोड़ी ना है। इवेंट काम क्या करना है आपको,
थ्री डिजिट नंबर बनाना है। तो ऐसे आपको हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि मुझे काम क्या दिया गया है, द वर्क यू वांट टू डू, थ्री डिजिट नंबर बना दो। ये क्या आ गया, इवेंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ इवेंट। तो हर क्वेश्चन का अपना होता है, जैसे अभी मैंने बोला था डाइस को फेंको, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर का आना, तो इवन नंबर क्या था, वो इवेंट था। तो हर क्वेश्चन में अपना अपना दिया होता है इवेंट जिसके बिहाफ पे हम करते हैं। जैसे एग्जांपल है मान लो, तो कहता है, मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, कहता है इवेंट जो है हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे। सबसे पहला काम होता है किसी भी क्वेश्चन में इवेंट ढूंढना, जिसको हम किसी भी कैपिटल लेटर से नोट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से इवेंट को हमें ढूंढना, हमारा सबसे पहले काम है उसको किसी भी कैपिटल लेटर ए से, बी से, एक्स से, वाई से, द वर्क यू वॉन्ट टू डू इन द क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल है, कहता है थ्री पर्सन सिट ऑन आ चेयर, सिट ऑन द टेबल इन क्लासरूम। एक क्लासरूम में तीन बच्चे टेबल पे बैठना चाहते हैं, चेयर पे बैठना चाहते हैं। थ्री पर्सन सिट ऑन द टेबल या चेयर इन अ क्लासरूम। तो यहाँ इवेंट क्या होगा, काम क्या मिला हुआ है, क्या काम करना है हमें। कहते हैं क्या टेबल काम है, नहीं, क्लासरूम काम है, नहीं, क्या काम है, तीन पर्सन को बिठाना, तीन पर्सन को बिठाना हमारा काम है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। थ्री पर्सन भैया सिट कर दें ऑन अ चेयर या टेबल, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इवेंट। तो सबसे पहले आपको इवेंट रखना है, उसके बाद हम अगली बात करेंगे कि उस काम को करेंगे कैसे, दैट इज कॉल्ड वेज। तो सबसे पहला काम है हमें किसी भी क्वेश्चन में इवेंट ढूंढना, पहला हम इवेंट ढूंढ लें, फिर उसके बाद उसको करते कैसे, इस इवेंट को, इस काम को करेंगे कैसे, यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एग्जिट, यहाँ से एंटर, यहाँ से एग्जिट, यहाँ से एंटर, यहाँ से एग्जिट, यहाँ से एंटर, यहाँ से एग्जिट। तो ये क्या हो गए, अलग अलग वेज हो गए। तो दीज आर कॉल्ड वेज, बट अभी फिलहाल इवेंट, फिर अगला लिखाऊंगा वेज, पर इसको नोट कर लो, फिर आगे चला रहा हूँ। ये इवेंट होता है, हर क्वेश्चन में अपना इवेंट जरूर होगा, बिना इवेंट के कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बिना इवेंट के कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जो पूछना बात पूछना है। हर क्वेश्चन के पास अपना इवेंट होता है। जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम्स हैं या प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें हर क्वेश्चन में अपना इवेंट जरूर होगा। तो जो हमने पूरी एक्सरसाइज करनी है, तो उसकी प्रैक्टिस में हम देख लेंगे भैया क्या इवेंट हमें दिया। तो पहला, सबसे पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ो और उसका इवेंट ढूंढो। तो फिर उसके बाद उसको करने के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेज। वो वेज है, वेज किसको बोलते हैं बता रहा हूँ, पहले इवेंट को अच्छी तरह डाल दें, जब तक नोट कर रहे हो करो आराम से। कहता है जो काम आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इवेंट। हर क्वेश्चन का अपना अलग इवेंट होगा, और उसको जब हम करने बैठेंगे तो दैट इज कॉल्ड वेज। किस तरह से करेंगे, वो अलग अलग तरीके वेज कहलाते हैं। तो इवेंट क्या है, किसी भी कैपिटल लेटर से आप नोट कर दो, द वर्क यू वॉन्ट टू डू इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। पर्सन वॉन्ट टू क्रॉस द होल, और क्रॉस करना चाहते हैं, वेयर देर आर टू एंट्रेंस डोर हैं और थ्री एग्जिट डोर हैं, मान लो तीन निकलने के डोर हैं, तो एंट्री के दो हैं, मान लो एक हॉल सिनेमा हॉल में तीन एग्जिट के डोर हैं, तो आपको क्या करना है, दो एंट्रेंस के डोर इवेंट है नहीं, तीन एग्जिट के नहीं, आपको काम क्या करना है, पर्सन को वॉन्ट टू क्रॉस, वो जो आदमी क्रॉस करना चाहता है हॉल को, वो दैट इज कॉल्ड इवेंट। इसमें ये काम किया है, तीन डिजिट नंबर बनाना वो इवेंट है, थ्री पर्सन को सिट करना टेबल या चेयर पे वो इवेंट है, जैसे क्लास में आप जाते हो, वेज है। अब वेज हम किसको बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड टू डू दैट इवेंट, अलग अलग, एक मेथड एक से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बता दें, तभी डिफरेंट वर्ड लिखा हुआ है वेज में, डिफरेंट है, डिफरेंट है मेथड्स, अलग अलग मेथड टू डू That event called ways, इनको हम ways बोलते हैं। जो एक बार एक तरीका हो गया उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को उठाता हूँ, हमारे पास एक पर्सन क्रॉस करना चाहता है हॉल रूम को, वेयर देर आर टू एंट्रेंस के डोर है, दो एंट्रेंस एंड थ्री एग्जिट के डोर है, तीन बाहर जाने के। तो कहते हैं बता दो कितने वेज होंगे इस काम को करने के लिए। तो इसके अगर मुझे वेज ढूंढने हैं, वेज टोटल तरीके मुझे ढूंढने हैं,
तो कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू डू दैट इन या ऑल द डिफरेंट डिफरेंट सारे कोई रह ना जाए ऑल द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स सारे ढूंढने कोई रह नहीं जाना चाहिए मतलब ए पर्सन वांट टू क्रॉस द होल वेयर देयर आर टू एंट्रेंस डोर एंड थ्री एग्जिट डोर तो इसका इवेंट क्या हो गया इवेंट हो गया दैट पर्सन वांट टू क्रॉस द अब अलग अलग तरीके के हैं सुन लो वो पहले से एंटर करे पहले से एग्जिट करे मतलब एंट्री वन से करे और एग्जिट वन से करे एक तरीका ही हो गया मतलब पहले डोर से हो जाए वो पहले से एग्जिट कर जाए एक तरीका ही हो जाए फिर वो ऐसा भी कर सकता था पहले से एंटर करे दूसरे से एग्जिट कर दे एंटर पहले से करे और एग्जिट दूसरे से करे भले ही अपनाएगा वो कोई एक तरीका ये नहीं कि सारे तरीके एकदम से अपना लेगा मान लो मैंने हॉल में जाना है या तो मैं पहले से एंटर करूंगा पहले से एग्जिट या मैं पहले से एंटर करूंगा दूसरे से एग्जिट करूंगा मैं एक टाइम में दो तरीके नहीं अपना सकता हूं पर मुझे गिनने सारे हैं क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज है वो सारी काउंट होंगी मतलब पहले से एंटर किया तीसरे से एग्जिट कर सकता हूँ ये भी एक तरीका है मैं इनमें से ऑप्ट कोई एक करूंगा पर मुझे लिखने सारे हैं एंट्री टू ऑब्वियसली बात है एंटर टू एग्जिट वन एंटर टू एग्जिट टू एंटर थ्री एग्जिट थ्री क्या कोई और भी तरीका है ऐसे भी कर सकता हूँ पहले से एंटर करो और एंटर टू से बाहर निकल जाऊं नहीं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि स्पेसिफिक किया हुआ है दो एंट्रेंस तीन एग्जिट तो इनके अलावा कोई और तरीका नहीं क्योंकि टोटल तरीके कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः वेज हो गई आल दो मैं फिर बोल रहा हूँ आल दो अपनाएंगे कोई एक एक टाइम में बट हमें काउंट सारे करने होते हैं आल दो तभी मैंने फिर एक वर्ड और आपके लिए ऐड किया तो कहीं आप समझे ना आल दो वैसे डिफरेंट डिफरेंट में वो काउंटेबल है वैसे वो डिफरेंट डिफरेंट में ही काउंटेबल है कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब सारे अलग 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 तरीके तो एक तरीका दो तरीके तीन चार पाँच छः इसके अलावा कोई तरीका अपनाओगे तो रिपीट ही होगा मतलब आप बोलोगे सर एंटर टू एग्जिट टू हो जाए एंटर टू एग्जिट टू हो जाए तो एंटर टू और एग्जिट टू तो हमने लिखा हुआ है देखो एंटर टू ये रिपीट हो गया तो सात तरीके नहीं हुए एक तरीका एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए रिपीट हो गया ये सात तरीके नहीं हुए ठीक है कितने रह गए तो दिस इज कॉल्ड वेज इसको हम वेज बोलते हैं यहीं पे ये चीज़ करनी है हमने कि भैया कितने अलग अलग तरीके होंगे किसी काम को करने के लिए वो सारे काउंट करने हैं तो एंट्री टू ही है एंट्री टू ही है एंट्री वन एग्जिट वन एंट्री वन एग्जिट टू एंट्री वन एग्जिट थ्री एंट्री टू ही है exit 1 entry 2 exit 2 entry 2 exit 3 तो entry हम इस तरह से करेंगे 2 से और exit हम कितने तरीकों से 3 से तो total ways कितने हो गए सोचो जरा अच्छी दूसरा example है this is meaning of ways पर ways में हमने सारे का सारे ही लिखना है example है जैसे लिखा हुआ है 3 digit number बनाना है 3 digit number बनाना है कहता है without repetition जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा without repetition या with repetition दो ही हो सकते हैं या तो repeat कर रहा हो या repeat ना कर रहा without repetition with repetition by using किसको use करके 1 2 3 4 5 6 तो इसके अलग अलग ways क्या होंगे वो बता रहा हूँ event क्या है इसके अंदर सोचो event जो था वो 3 digit number में कंडीशन भी दी हुई है इस क्वेश्चन में कंडीशन भी दी हुई है क्या जो एक बार आ गया दोबारा भी आ सकता है विद रिपीटेशन के अंदर विद रिपीटेशन के फिर इसके वेज कितने बनेंगे सोचोगे D1 मतलब पहला डिजिट D2 दूसरा डिजिट D3 तीसरा डिजिट तो पहला डिजिट भरना है मुझे तो कैसे भर सकता हूँ सोचो पहला डिजिट सोचना जरा पहले डिजिट पे यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 भी लिख सकता हूँ सोचना तो पहले डिजिट को भरने के लिए कितने तरीके होंगे 6 तरीके वो 6 तरीके कौन से है तो 1 भर दूँ या 2 भर दूँ या 3 कोई एक भरूंगा एक टाइम में आल दो पर वेज मेरे पास 6 है ये सोचना 6 के 6 तो नहीं भर दूंगा एक टाइम में ऐसे तो नहीं लिख दूंगा D1 है मैं मान लो D1 D2 D3 या 1 भी लिख दूं 2 भी लिख दूं 3 भी लिख दूं 4 भी ऐसा ना लिखूंगा कोई एक टाइम में चाहे 5 लिख दूं चाहे 4 लिख दूं चाहे 3 लिख दूं चाहे 1 लिख दूं
तो एक टाइम में कोई एक ही तरीका लिखूंगा, तो छह वेज हो गए। मान लो आपने किसी बच्चे ने, मान लो या बैठे हुए होते अगर आप लोग, तो मैं कहता कोई नंबर बोलो, कोई कहता मैं दो भरूंगा D1 पे, कोई बोलेगा मैं पांच भरूंगा भर सकते हो, कोई बोलेगा मैं चार भरूंगा भर सकते हो, कोई बोलेगा तीन भरूंगा भर। पर एक टाइम में क्या भरोगे, कोई एक ही तो भरोगे, चाहे दो भरोगे चाहे पांच चाहे चार चाहे तीन चाहे एक भरोगे चाहे छह भरोगे, कुछ भी एक भरोगे। तो पहले D1 को भरने के लिए कितने तरीके होंगे, फिर D2 को भरना है, फिर D2 को भरने के लिए क्या होगा, यहाँ कंडीशन दी हुई है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ, जो एक बार आ गया मान लो छह यहाँ पे आ गया, क्या दोबारा छह आ सकता है, आ सकते हैं। क्या छह ही आएगा, ये नहीं कह सकते, यहाँ पे दो भी तो आ सकता है, आ सकता है। विद रिपीटेशन मतलब रिपीट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, वन भी आ सकता है, आ सकता है, फोर भी आ सकता है, आ सकता है। तो इसको बनने के लिए भी कितने तरीके होंगे, सोचो जरा, इसको बनेंगे छह वेज, इसको बनने के लिए भी कितने तरीके होंगे, सोचो छह वेज क्यों, यहाँ पे वन भर लो, चाहे यहाँ पे क्या भर लो टू भर लो, क्यों टू भर सकते हो, क्योंकि जो एक बार आ गया दोबारा आ भी सकता है। चाहे यहाँ पे क्या भर लो तीन भर लो, चाहे चार भर लो, चाहे पांच भर लो, कोई एक भर लो, एक टाइम में चार भर लिया था, पांच भर लिया था, तीन भर लिया था, तीन भर लिया, एक ऐसे कर सकते हो। फिर D3 को भरने के लिए भी कितने तरीके होंगे, विद रिपीटेशन है, जो एक बार आ गए दोबारा आ सकते हैं, विद रिपीटेशन वेज है, टू दोबारा आ सकते हैं, यहाँ पे वन आ सकता है, यहाँ पे फोर आ सकता है, यहाँ पे वन आ सकता है, यहाँ पे वन आ सकता है, उसमें क्या, इसका मतलब पहले को बने के लिए कितने तरीके छे, फिर दूसरे को छे, तीसरे को छे, तो टोटल वेज कहते हैं कितने होंगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ, कहते हैं विद रिपीटेशन, मतलब वेज, वेज हम किसको बोलते हैं, वो हमारे पास 256 बनेगा, देखो जरा है, तो सोना छेती 18 चलो। तो ये मतलब है वेज, अलग अलग जितने भी तरीके होंगे वो सारे लिखने हमारे पास वेज होते हैं, काम को करना इवेंट होता है, हर क्वेश्चन में इवेंट डिपेंड करता है, फिर हम उसके अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, उन सारे तरीकों को लिख लेते हैं। अगर यही विदाउट रिपीटेशन होता तो ऑब्वियसली बात है बता पाओगे, बिल्कुल विदाउट रिपीटेशन तो बता देंगे, क्या D1 फिर D2 फिर D3, पहले को बनने के लिए कितने वेज होंगे, सोचो छह वेज, क्यों, कोई भी इनमें से एक नंबर डाल दो, अगले को जो एक बार आ गया वो दोबारा आ जाएगा क्या, नहीं, तो कितने वेज होंगे, पांच, क्योंकि जो मान लो यहाँ पे दो नंबर आ गया तो क्या दोबारा दो भर सकते हो क्या, नहीं, अगले को बनने के लिए एक भर सकते हो, अगले को बनने के लिए कितने तरीके रहेंगे, तो दिस इज गॉट वेज। चलिए अब इसके रूल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अभी तक आपको बताया है हर क्वेश्चन में इवेंट ढूंढना जरूरी है, बिना इवेंट के क्वेश्चन नहीं होगा। फिर दूसरा, हमारा आंसर कब आएगा, जब सारे के सारे अलग अलग वेज ढूंढेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, सारे के सारे अलग अलग, छः वेज, पाँच वेज, चार वेज, सारे अलग अलग वेज ढूंढेंगे, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, कोई भी रिपीट नहीं करना तरीका, मतलब एंटर टू एग्जिट टू, ये रिपीट हो गया, इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट करते रहोगे अनगिनत हो जाएंगे। चलिए कुछ पूछना है तो पूछो, फिर मैं आगे चलूँ, दो मिनट कुछ बात पूछनी है तो पूछ लो, फिर मैं आगे रूल दिखाऊं, जो रूल के साथ हम क्वेश्चन, इन क्वेश्चन अभी दो मिनट रुकना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन नहीं पूछना इसमें से, जब तक मैं अपने पूरे एग्जांपल ना दे दूं तब तक इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछना, पाँच मिनट देना जरा वेट करना, पहले पूरा समझाने देना। कहते हैं रूल्स हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के, सब्ट्रैक्शन दो होती नहीं है, या तो ऐड होगा या मल्टीप्लाई, तो कह रहे हैं इन क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में वी कैन अप्लाई एडिशन साइन, हम एडिशन साइन अप्लाई करेंगे, if event is completed, अगर event क्या होते complete होते, and there is another way to do that event, तो कहता है उसको करने का कोई और भी तरीका हो, and there is another way to do that event, क्या मतलब है, example देके बता रहा हूँ, अगर आपको लगे आपका event पूरा हो गया, आराम से समझना, event is completed, complete हो गया, but there is another way, कोई और way भी है, कोई और रास्ता भी है उस इवेंट को करने के लिए, तो प्लस लगता जाएगा हर बार, जैसे भी थोड़ा एग्जांपल किया था और भी एग्जांपल दे रहा हूँ,
जैसे एग्जांपल है, ए पर्सन वांट टू क्रॉस द होल वाला भी हमने एग्जांपल किया था, ए पर्सन वांट टू क्रॉस द होल विद टू एग्जिट, सॉरी विद टू एंट्रेंस डोर थे, दो एंट्रेंस थे एंड थ्री एग्जिट थे, तो कहते हैं हमने टोटल वेज ढूंढने थे, वेज कितने होंगे। सबसे पहले इसका इवेंट लिखना बहुत जरूरी है, भले ही दो तीन बार मैं लिखवा चुका हूँ, इवेंट क्या होगा, पर्सन, हर क्वेश्चन का इवेंट लिखना जरूरी है, वांट टू, इसी से प्लस और मल्टीप्लाई पता चलेगा, पर्सन वांट टू क्रॉस द होल, ये इवेंट, तो इसे साफ लिखा, कोई कैन अप्लाई एडिशन है, इफ इवेंट देखो वर्ड लिखा हुआ, अगर इवेंट कंप्लीट हो जाए तो आप ध्यान से देखो जरा एक मिनट के लिए, यहाँ से एंट्रेंस थी, यहाँ पे एंट्रेंस थी, ये भी एंट्रेंस थी, आराम से देख लो, फिर हमने भी लिखा भी था एग्जिट वन एग्जिट टू एग्जिट तीन, अगर एक क्वेश्चन में समझ आए तो भी बहुत, ना आए तो 10 क्वेश्चन भी करा दो तब भी कम पड़ जाएंगे आपको, आप अगर समझने वाले होंगे तो एक में भी कैच कर लेंगे, हमने एडिशन लगाना है, मल्टीप्लीकेशन सोचना, पहले से एंटर पहले से एग्जिट एक तरीका, ये मैं वेज ढूंढ रहा हूँ वेज, कोई बच्चा पहले से एंटर करते हैं, मान लो रोहित आता है पहले से एंटर करे पहले से एग्जिट एक तरीका, तब आपने साथ साथ अपना दिमाग रखना है क्या मेरा इवेंट पूरा हो गया कि नहीं हो गया, एक तरीके के बाद अपने दिमाग से पूछना है, क्योंकि दिमाग में इवेंट का घूमना बहुत जरूरी है, इवेंट पर्सन वांट टू क्रॉस द होल, मान लो एक बच्चा है पहले से एंटर किया यहाँ से और पहले से एग्जिट कर गया बाहर निकल गया, तो क्या मेरा इवेंट पूरा हो गया है, कहता हाँ या ना, ये आपको देखना है यस और नो, या आपका दिमाग क्या कहता है उस क्वेश्चन को लेके, आप इंडिविजुअल उसका डिसीजन ले सकते हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो ऐसा टॉपिक है कि आगे कोई भी एग्जाम दोगे, मैंने पहले भी आपको जब स्टार्ट किया था बताया था, यही नहीं होता कि एंट्रेंस आपने यही देना है, कॉम्पिटिशन के एग्जाम ही देने हैं, कोई भी आप बैंकिंग का दोगे, एसएससी का दोगे, आईएएस का दोगे, उन सब में यूज है, तो क्या कह रहा है वो, पहले से एंटर पहले से एग्जिट है, तो आपको लगता है इवेंट पूरा हो गया तो आप बीच में प्लस लगाना, अगर आपको लगता भी इवेंट पूरा नहीं हुआ तो आप क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई। अब आप सोचो, पहले आपसे पूछता हूँ, ये तो ऑफलाइन चले, हाँ भी आपको क्या लगता है इवेंट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, बस बोलना है, हो गया। आयुष्मान बोल भी, इवेंट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आपको जो लगता है, देखो अगर तो आपको लगता है इवेंट पूरा हो गया, क्योंकि इवेंट क्या है इसमें, क्रॉस करना था ऑल रूम को, फिर बता रहा हूँ इन क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे, देखो लॉजिक अगर क्लियर हो जाए तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो बुक से आए चाहे बाहर से आए, तो मैंने बड़ा सिंपल से लॉजिक बताया कि आपके पास इवेंट पूरा होना, पहले सबसे पहले आपको इवेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए, इवेंट बोलते किसको हैं, क्योंकि जब तक आपको इवेंट ही नहीं पता होगा तब तक आप उसको पूरा होना ना होना क्या बात करोगे, तो इन क्वेश्चन हुई कैन अप्लाई एडिशन साइन। अब इवेंट और वेज क्या थे वो तो बात होगी, मैंने पूछा डाउट पूछा, हमने बोला नहीं, तो मैंने अब रूल सिखाने हैं आपको, इन क्वेश्चन हुई कैन अप्लाई एडिशन साइन, कहते हैं इफ इवेंट इज कम्प्लीटेड, अगर इवेंट कम्प्लीट हो जाए, अगर आपको लगता है, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे क्या फील होता है, मैं ये आपके ऊपर नहीं थोप सकता हूँ, आप इंडिविजुअल हो, आप ये लिख के बताओ कि हाँ या ना, अगर आपको लगेगा कंप्लीट हो गया तो आप यस लिख देना, नहीं तो नो। तो कहता है एंड देयर इज अनदर वे, कोई और भी तरीका है, तो कहता है हम क्या लगाएंगे एडिशन साइन, तो जैसे ये एग्जांपल था, तीन चार बार बोल पड़ा हूँ मैं इसको एग्जांपल के ऊपर, इवेंट क्या, पर्सन वांट टू क्रॉस द होल, तो ऑब्वियसली बात है थिएटर में जब जाते हो तो आप अकेले नहीं जा रहे हो, 100 लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं, तो कुछ 50 में से कुछ 3-4 लोग पहले से एंटर करते हैं और पहले से बाहर चले जाते हैं, तो वो क्या उस हॉल रूम को क्रॉस कर गए, हाँ कर गए, तो आंसर आएगा यस, हाँ वो कर गए, क्यों, 50 लोग थिएटर के अंदर जाते हैं, मान लो 50 लोग उस टिकट को खरीदते हैं जो मूवी देखने जा रहे हैं, तो तीन लोग क्या करते हैं, 3-4 लोग एंटर पहले से करते हैं और पहले से एग्जिट कर जाते हैं मान लो, तो क्या उस थिएटर को क्रॉस करके गौर कर गए, पर हर कोई पहले से एंटर कर रहा है कोई जरूरी नहीं, कुछ दूसरे से भी एंटर करेंगे, कुछ तीसरे से भी एग्जिट करेंगे, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, गलत है, तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस, फिर कुछ ऐसे लोग होंगे पहले से एंटर करेंगे 3-4 लोग, और एग्जिट पर किससे कर रहे होंगे, दूसरे से, कुछ लोग वो भी होंगे, एक तरीका ही हो गया, पहले से एंटर तीसरे से एग्जिट एक तरीका ही हो गया, प्लस पहले दूसरे से एंटर पहले से एग्जिट एक तरीका ही हो गया, फिर ऐसे ही वो क्या कर सकते हैं, दूसरे से एंटर दूसरे से एग्जिट एक तरीका ही हो गया, फिर ऐसे ही दूसरे से एंटर तीसरे से एग्जिट मैंने लिख दिया। अब एक मिनट के लिए सोच लेते हैं, कोई बच्चे को ना समझ में आता है पेपर में,
और वो वन उसको लगता भी इवेंट पूरा नहीं हुआ तो क्या लगेगा मल्टीप्लाई, फिर वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, तो सोचना कितने तरीके बन गए वन इंटू वन, ये कितने तरीके बन गए वन वेज, वो तो अंडरस्टूड है जो कि नहीं है, सोच लो जरा, तो ऐड करूँगा तो कितने वेज बन गए 6 वेज। तो बात को समझो, जब तक इवेंट पूरा पूरा हो जाए पर करने का कोई और तरीका हो, यस का मतलब इवेंट पूरा हो गया, यस मतलब इवेंट इज कम्प्लीटेड, यस से ये मतलब है मेरा। तो हम क्या लगाते जा रहे हैं बीच में, तो दिस इज अमेनिंग, एक वो एग्जाम्पल दे, तो आप क्वेश्चन को पढ़ो जितने मर्जी क्वेश्चन करो, चाहे वो बुक के हों, चाहे एनसीईआरटी के हों, चाहे आरडी के हों, जब तक बेसिक ही नहीं क्लियर होंगे तो आप उठा नहीं पाओगे। आपको क्या पता एडिशन लगाना है, ऐड कर रहा हूँ कि मैं मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट निकाल रहा हूँ, तो वो समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल है मान। थ्री क्लास रूम से सेक्शन ए, 11th A, 11th B, 11th C है, एग्जाम्पल है, थ्री सेक्शन है ऑफ क्लास प्लस वन, 11th A, 11th B, 11th C, ईच क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, our teacher want to select a monitor from each class, या class representative भी बोल सकते हैं, our teacher या principal want to, teacher तो अलग अलग हो सकते हैं class के, principal तो एक ही रहेगा, principal want to select a class representative, आप class representative बोल दिया, आराम सोचो पहले, representative one from each class, चलो a teacher एक principal want to select a class representative, find कर दो from each class, अभी रुक रुक गया अपन, find the total number of ways, कितने ways total बने, for all the three sections, all the three sections, find करो total number of ways, कितने total ways होंगे, ये कहना चाहते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ के तो इतनी बात समझ में आती है, भैया हमारे स्कूल में तीन सेक्शन है 11th के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव 11th क्लास है, उसके अंदर तीन सेक्शन है, तो 11th क्लास के अंदर तीन सेक्शन डाल दिए गए, हर सेक्शन के लिए 11th A, 11th B, क्लास तो 11th ही चलेगी पर सेक्शन तीन चलेगे 11th C, सोचना मुझे, इसमें भी 40 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट चेंज हो सकते हैं, इसमें भी 40 फिलहाल इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, बोला भाई ईच सेक्शन है, सेक्शन है ईच क्लास ही सेक्शन है लिखा हुआ, कहते हैं इस क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट, या ईच सेक्शन होगा, ईच सेक्शन हर सेक्शन, क्लास तो एक ही है प्लस में, ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट, इस सेक्शन में 40 है, इसमें 40, इसमें 20, तो आई प्रिंसिपल वांट टू सिलेक्ट अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल द थ्री सेक्शंस, तीनों सेक्शन के लिए एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहता है, मतलब 11th क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहता है प्रिंसिपल, 11th क्लास में एक ही रिप्रेजेंटेटिव रहे वो ये चुनना चाहते हैं, जो सारी क्लास 11th को रिप्रेजेंट करे, जैसे तुम्हारे स्कूल में होता होगा तो हेड बॉय होता होगा, तो वो 11th या 10th तक तो मुझे ध्यान नहीं है, 11th में तो चलो चलते होंगे आप सुनते ही होंगे 10th तक भी, तो क्या होता है अब 11th में तीन सेक्शन है, मान लो नॉन मेडिकल का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटी का है मान लो, तो जो हेड बॉय होता है वो नॉन मेडिकल का अलग और कॉमर्स का अलग और ह्यूमैनिटी का अलग थोड़ी ना होता है, वो पूरे स्कूल का एक होता है, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये हो गया हेड बॉय चुनना चाहता है वो क्लास का, मान लो प्लस वन का, तो प्लस वन क्लास है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहता है वो, और जबकि क्लास प्लस वन ए में देखेंगे तो 40 बच्चे थे, प्लस वन बी में तो 40 बच्चे थे, प्लस वन सी में भी कितने थे 40 बच्चे थे, कहते हैं टोटल वेज कहते हैं बता दो, कहते हैं कितने वेज से वो चुने, तो इवेंट क्या है, इवेंट पहले ढूंढो इस क्वेश्चन का, इवेंट क्या, काम क्या मिला है, क्या काम तीन सेक्शन है, नहीं ये तो दिए हुए हैं, सोचना ई सेक्शन में 40 40 बच्चे के काम है, नहीं वो क्या कह रहा है, एक प्रिंसिपल क्या चाहता है, सिलेक्ट अ
क्लास तो इवेंट क्या है, कहता है सिलेक्ट करना किसको, आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्लास के लिए मुझे क्या चुनना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये चुनना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या ढूंढना है, इवेंट ढूंढना। अब मैं ढूंढूंगा उसके अलग अलग वेज, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो मान लो कोई प्रिंसिपल है सेक्शन ए में जाएगा, सेक्शन ए में से चुनेगा, कहता है एक बच्चे को चुन लिया, मान लो कहते हैं किसी एक को खड़ा कर लिया कि इसको चुन लिया क्लास रिप्रेजेंटेटिव। फिर सेक्शन बी में जाएगा, सेक्शन बी में जाएगा फिर एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेगा, सेक्शन सी में जाएगा फिर एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेगा। तो कितने क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, चुनने कितने हैं सोचो आराम से। क्या उसको हर सेक्शन में से अलग क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, पढ़ना जरा। वो सेक्शन ए में गया, मान लो उसने बच्चों को देखा और कहा भी हाँ भी चल रोहित तू खड़ा हो जा, तू क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। फिर सेक्शन बी में गया, फिर उसको कहा क्लास रिप्रेजेंटेटिव तू भी खड़ा हो जा सुमित। फिर सेक्शन सी में गया, उसने कहा मोहन तू खड़ा हो जा। तो उसके पास क्लास में कितने चुने गए, तीन। पर चुनने कितने हैं, सिलेक्ट आ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना। तो ऐसे चुने कितने गए या सोचो जरा, तीन चुने गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कहता है क्लास ए में से चुनेगा 40 बॉय में से, नहीं फिर 40 नहीं। तो कहता है या तो क्या करेगा, सेक्शन ए में से जाएगा तो वो क्लास भैया पूरी क्लास को क्या करेगा, 40 बच्चों को इकट्ठा बुला लेगा, फिर सेक्शन बी को भी उठा लेगा सोचो जरा, फिर सेक्शन सी को भी उठा लेगा। टोटल बॉयज कितने हो गए सोचो जरा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए सोचो जरा, वो कितने हो गए 120। मैं कह रहा हूँ उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने कितने, एक चुनने के तीन, पहले ये सोचिए। तो उसने कहता है एक चुनना है पूरे में, उसे क्लास मॉनिटर नहीं चुनना, अभी सेक्शन मॉनिटर, अभी सेक्शन में एक मॉनिटर होना चाहिए, फिर सेक्शन में, फिर सेक्शन में, नहीं उसे तीनों क्लासों का एक हेड बॉय चुनना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, एक चुनना है फ्रॉम ऑल द थ्री सेक्शन। उसे लिख भी दिया तीनों सेक्शन में से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुनना। तो क्या करेगा, वो 40 बच्चे सेक्शन ए के इकट्ठे कर लेगा, 40 ही बच्चे किसके इकट्ठे कर लेगा, सेक्शन बी के इकट्ठे कर लेगा, 40 बच्चे वो किसके इकट्ठे कर लेगा, सेक्शन सी के। सोचो 40 बच्चे सेक्शन ए के, 40 बच्चे सेक्शन बी के, 40 बच्चे सेक्शन सी के इकट्ठे कर लेगा, सोचो जरा। तो कितने बच्चे हो जाएंगे टोटल, 120 बच्चे। हम मान लो 120 बच्चे खड़े हैं तो किसको चुनेगा, तो वो पहले वाले को चुन सकता है। मान लो 120 बच्चे सामने खड़े हैं, मान लो आप सोचना अपने इमेजिन करो 120 बच्चे खड़े हैं मान लो प्ले ग्राउंड में या फिर प्रेयर जहाँ होती है वहाँ पे, तो क्या पहले वाले बच्चे को लाइन में खड़े हैं पहले वाले बच्चे को चुनेगा, क्या वो पहले वाले बच्चे को चुन सकता है, क्या पहले वाला बच्चा ही चुनेगा। दोनों में फर्क है सोचो, पहले वाला बच्चा चुन सकता है, हाँ चुन सकता है कि भैया पहले वाला बच्चा जो हो जाए वो क्या हो जाए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। पर पहले वाला ही होगा नहीं, मेरा मतलब समझना, वो चुनना कितने बच्चे हैं, एक। टोटल बच्चे कितने होंगे 120, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे सोचो 120, चुनने कितने, सिलेक्ट कितने करने हैं, एक। तो पहले वाले को चुन लेगा, चुन सकता है, पर पहले वाला ही चुनेगा नहीं, वो दूसरे वाले को भी चुन सकता है, हाँ चुन सकता है, या फिर वो किसको चुनेगा, तीसरे वाले को, या फिर वो किसको चुनेगा, चौथे वाले को, सोचना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले वाले को चुनेगा। तो क्या इवेंट पूरा हो गया, सोचना आराम से, इवेंट क्या था। अब ये सोचो अगर उसने पहले वाले को चुना तो क्या इवेंट पूरा हो गया, यस और नो, ये सोचना। अगर आप इतना सोच पाएंगे उस क्वेश्चन में तो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको लगता है इवेंट पूरा हो गया तो आपने क्या ऐड करना है, प्लस। अगर आपको लगता है नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो आप सोचो मान लो 120 बच्चे थे, मैंने कहा पहले वाला तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है आज से, तो क्या इवेंट पूरा हो गया। इवेंट क्या था, सिलेक्ट करना, क्या बोला, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, बिल्कुल चुना गया, यस। सोचो क्यों, एक बच्चे को चुन लिया तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, मैंने कहा पहले वाला आज से हितिका तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा चुन गया। पर इसको चुनने का सिर्फ यही एक तरीका है, क्या हितिका ही उस क्लास पूरे स्कूल में रिप्रेजेंटेटिव रहेगी क्लास की, नहीं, उसको चुनने कोई और तरीका, हाँ वो दूसरे बच्चे को भी चुन सकता है, या फिर वो किस बच्चे को चुन सकता है, तीसरे को, या फिर कितने बच्चे चुनेगा, कितने तरीकों से, 120। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे सोचो जरा, 120 वेज। क्यों, हर एक में क्या लगाते जाओगे, एडिशन। क्यों, इवेंट पूरा हो गया, यहाँ पे मैंने पहले बच्चे को क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, तो क्या मेरा इवेंट पूरा हो गया है, क्या मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुन चुका हूँ, हाँ चुन चुका हूँ, क्या इसको चुनने कोई और तरीका है, हाँ मैं पांचवें बच्चे को भी चुन सकता हूँ, मैं दसवें बच्चे को भी चुन सकता था, मैं 120वें बच्चे को भी चुन सकता हूँ, पर 121वें बच्चे को नहीं चुन सकता, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं। तो कितने टोटल वेज हो गए, हर बार क्या लगाता जाऊंगा, प्लस। क्यों, क्योंकि मेरा इवेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब भी मुझे फील करे मेरा इवेंट कंप्लीट हो गया तो हर उस दो वेज में मुझे क्या लगाते जाना है, प्लस। हर दो वेज में क्या लगाते जाऊंगा, प्लस। हर दो वेज में क्या लगाता जाऊंगा,
तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक कि हम क्वेश्चन में एडिशन साइन तब यूज करेंगे जब हमें क्या लगेगा मेरा इवेंट क्या हो गया पूरा हो गया। बट देयर इज अनदर वे, कोई और तरीका भी होना चाहिए क्या करने के लिए उस इवेंट को करने के लिए, ये मीनिंग है। दूसरा रूल है, बोलो कुछ बोलना बोल दो, कोई बात नहीं होने दो। सर ऐसा भी हो सकता है अभी हमारा इवेंट तो कंप्लीट हो गया लेकिन और कोई वे हो ना उसे करने का, तो बस फिर वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब फिर एडिशन एक एक एंटर होगा, एक ही एग्जिट डोर है, एक एंटर है एक एग्जिट है, तो कहता है एक तरीका हो गया। अब इस करंट को करने कोई और तरीका ही नहीं है तो उसका आंसर क्या हो गया एक। जब कोई तरीका ही नहीं बचेगा तो वो एक ही तरीके के अंदर काउंट हो गया। अब मान लो 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, मान लो 5 डिजिट दिए हुए, तुम्हें सिंगल डिजिट नंबर बनाना है, मान लो सिंगल डिजिट नंबर बनाना है, सिंगल एक ही डिजिट नंबर बनाना है, तो एक ही डिजिट नंबर बनाना है D1, एक ही सिंगल डिजिट। अब D1 को क्या बना सकते हो, तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5, इसको बनने कितने तरीके हो गए, 5 वेज हो गए, तो उसका आंसर हो गया 5 वेज। जब उसको करने का आगे है ही नहीं तो आप क्या प्लस लगाओगे क्या मल्टीप्लाई लगाओगे। पर जब कोई अगला ऐसा होता नहीं, कोई भी क्वेश्चन वैसे दिया नहीं होता, बुक ने प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन नहीं दिया होता, ऑब्वियसली बात है कोई सिंगल को देखे क्या करेगा, वो तो बच्चा सीधा आंसर ही देगा 5 1 2 3, तो वो यही तो चेक करना चाहते हैं कि आपको समझ है प्रोबेबिलिटी में, तो यही आप करते हो। सोचो जरा कि आप कभी कभी एडिशन लगाते हो कभी कभी मल्टीप्लिकेशन, तो यही रूल सीखने आपको इस ये टॉपिक यही सिखा रहा है कि आप जब भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हो तो क्या आप ठीक ढंग से लगा पा रहे हो कि आपने ऐड करने के मल्टीप्लाई करने, बस वही चीज़ देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया 1 + 1 + 1 कितने होंगे 120 तरीकों से आप किसी एक बच्चे को चुन सकते हो। क्यों, स्कूल में कितने बच्चे हैं सोचो, वैसे भी रफली सोच लो 120 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को चुनना है तो उसने ये तो नहीं बोला किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को चुनना है। अगर वो पहले से ही पीछे से लिखा हो जाए मैनेजमेंट की तरफ से भी रोहित को हेड बॉय बनाना है या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, मान लो पहले से वो मेंशन है कि भैया रोहित ही बनेगा, तो उसको चुनने के तरीके कितने हो गए, एक, सोच के देखना, क्योंकि वो फिक्स था पीछे से ही फिक्स थी कि मैनेजमेंट ने पहले ही बोल दिया अभी रोहित ही चुना जाएगा हेड बॉय के लिए, तो फिक्स हो गया। पर जब तक फिक्स ना हो तो हर एक को अपनी होप है, हर बच्चे को 120 बच्चों को होप है कि अब तो मैं हेड बॉय बन जूँ या जो भी हेड गर्ल बन जूँ वो तो अलग मैटर है, क्या मैं क्लास प्रेजिडेंट बन जूँ, तो वो उसके लिए चलेगा। जैसे इलेक्शन हो मान लो, तो इलेक्शन में 120 के 20 को होप है कि अब तो मैं जीत जाऊँ, क्या मतलब मैं जीत जाऊँ। कैंडिडेट जब खड़े होते हैं किसी भी इलेक्शन के लिए, मान लो अलग अलग पार्टी से, बीजेपी से है, इससे इससे, तो तीनों को होप होती है ना कि क्या पता मैं जीत जूँ, क्या पता मैं जीत जूँ, क्या पता मैं, चाहे चुना कोई एक जाए चाहे MLA कोई एक बने, बट जो ऑप्शन है वो हमारे पास कांग्रेस के भी है, इसके भी है, इसके भी, तो टोटल तरीके हमने ढूंढने होते हैं, वो दैट इज कार्ड बेस होता है। तो हर एक तरीके में क्या लगता है एडिशन, अगर हमें लगे हमारा इवेंट पूरा हो, कैंडिडेट चुना एक ही जाएगा, बच्चा चुना एक है, ये नहीं कि 120 बच्चे चुनेंगे ना, 120 तरीके हैं, ये नहीं कि उसके एंट्रेंस और एग्जिट के लिए 6 दरवाजे हैं, नहीं 6 तरीके हैं, पर अडॉप्ट जो होगा या अटेम्प्ट जो करेगा वो एक ही तरीका अटेम्प्ट करेगा, एक टाइम में एक ही तरीका अटेम्प्ट कर सकता है, पर हमें लिखने के हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके, वो दैट इज कॉल्ड बेस होता है। तो क्वेश्चन की देख के हमें पढ़ के पता चलता है अभी प्लस लगेगा कि मल्टीप्लाई, वही समझा रहा हूँ। फिर मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई साइन है, दूसरा इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेटिव साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है क्वेश्चन, इफ इफ, अगर इसका मतलब बताए आपको इंग्लिश में इवेंट इज, देखना इसका मीनिंग पता है, येट टू कंप्लीट, येट का मतलब समझते हैं, कंप्लीट हो गया क्या, येट टू कंप्लीट मतलब, येट टू कंप्लीट का मतलब समझते हैं ना सारे, कंप्लीट होना बाकी है, ये मतलब हुआ ना, सोचो अभी हुआ नहीं अभी होना बाकी है, अभी अभी प्रोसेस में चल रहा है, अभी उसका एक हिस्सा हुआ है। कहता है इन क्वेश्चन हुई कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेटिव साइन इफ इवेंट इज येट टू कंप्लीट, जैसे एग्जांपल 3 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन बनाना है, नंबर लिखा हुआ है नो नहीं लिखा हुआ, समझते ही होंगे इतनी बार, नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन बनाना है, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आना, बाय यूजिंग 1 2 7 9 6 इससे बनाना, तो सबसे पहले आपको क्या चुनना पड़ेगा, वेज, कहता है तरीके, कहते इवेंट पहले चुनो, सॉल्यूशन
सबसे पहले इवेंट ढूंढो, इसमें काम मुझे क्या दिया गया वो मुझे ढूंढना है। तो मुझे क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना। That is card event हो गया। अब इसके हमने क्या चुनने हैं, बेस, अलग अलग तरीके चुने, अलग अलग तरीके हमने चुने, बेस क्या होंगे। तो मुझे क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर, D1, D2, D3। सोचो, अब बताओ D1 को बनने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, तरीके कितने हैं वो सोचने हैं। देखो ऊपर आराम से पढ़ना, इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेटिव साइन इफ इवेंट इज येट टू कम्प्लीट, अभी कम्प्लीट होना बाकी है, और अगर कम्प्लीट हो जाए, इवेंट इज कम्प्लीटेड और उसको करने कोई और तरीका है तो क्या लगाओगे, प्लस, और इसमें क्या लगाओगे सोचो, मल्टीप्लाई। समझ भी रहे हो, तो अब सोचना जरा, D1 को भरना है, बताओ D1 को क्या डाल सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, 7 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 9 भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ, कौन सा रखूंगा ये तो मेरे ऊपर है, पर एक टाइम में क्या रखूंगा, 1, मान लो एक टाइम में क्या रख सकता हूँ, 7, 7 रख लिया तो 6 नहीं रख सकता हूँ, 1 नहीं रख सकता हूँ, 2 नहीं रख सकता हूँ, 9 नहीं रख सकता हूँ, एक टाइम में एक रखूंगा, पर रखने के तरीके तो इसको कितने हैं, क्या एक ही तरीके इसको रखने का, नहीं, रखने के तरीके इसके कितने हैं सोच लोगे, 1, 2, 3, 4, 5 बिजनेस सोच, पर एक टाइम में एक ही तरीके से रखूंगा ये अलग बात है, दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों को सोचने वाला है, जो आपके लेवल पे आप सोच सकते हो कि रखेंगे तो कोई एक, पर रखने के तरीके क्या है वो हमें कितने मिल सकते हैं, ऑप्शन कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे हम किसी फूड प्लाजा में जाते हैं तो ऑप्शन हमारे पास इतनी सारी होती है उसके मेन्यू में, पर हम अटेम्प्ट क्या, अडॉप्ट क्या करते हैं, 1 या 2, पहले तो एक ही करेंगे, एक चीज खाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी की बात करेंगे, तो वही बात यहाँ पे भी है, ऑप्शन 5 है भरे है, तो 5 में से भर लिया, तो मान लो मैंने इसे क्या डाल दिया, मान लो 2 नंबर डाल दिया, मतलब इन 5ों में से कौन सा नंबर डाल दिया, 5 कौन कौन से हैं, 1, 7, 2, 9, 6, इनमें से कौन सा नंबर डाल दूं, मान लो अब मैंने 2 डाल दिया, पर आप भी 2 डालो, मैंने ये नहीं कहा, आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, 7, कोई बच्चा क्या डाल सकता है, 1, कोई बच्चा क्या डाल सकता है, 9, कोई बच्चा क्या डाल सकता है, 3 नहीं डाल सकता, क्यों, क्योंकि 3 ऑप्शन में डालोगे तो उसी में से जो दिए हुए हैं, अपनी तरफ से थोड़ा अपनी जेब में से निकाल के डाल लोगे, तो क्या डाल दोगे, मान लो 2 डाल दिए, अब सोचो क्या इवेंट पूरा हो गया कि नहीं हो गया, ये आपको सोचना, इवेंट क्या था इसमें, तभी तो इवेंट का पता होना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में, इवेंट को पढ़ो, जब भी भूल जाओ इवेंट को पढ़ो, 3 डिजिट नंबर बनाना है, मान लो आपने यहाँ पे 2 डाल दिया तो क्या आपका 3 डिजिट नंबर बन गया, 2 का मतलब क्या हुआ, सिंगल डिजिट, तो अब इवेंट पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ, जब तक इवेंट पूरा नहीं होता तो क्या लगाओगे, इवेंट इज येट टू कंप्लीट, अभी कंप्लीट होना बाकी था, इसलिए क्या लगता है मल्टीप्लाई। फिर D2 को भरने के कितने तरीके आएंगे सोच लो, D2 को भरने के लिए, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन पे भी, उसने क्या बोला हुआ है, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, तो इसको भरने के लिए कितने तरीके होंगे सोचो, 4 वेज, क्यों 4 वेज, क्योंकि 2 नंबर आ चुका था, अब 2 नहीं आ सकता तो कौन कौन से आ सकते हैं, 1 या 7 या 6 या 9, तो इसको बनने के लिए कितने तरीके होंगे, मान लो आपने 1 डाल दिया डाल सकते हो, अब यहाँ 2 नहीं डाल सकते क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है, तो 1 डाल सकते हो डाल दिए, क्या मेरा इवेंट पूरा हो गया सोचो जरा, अभी तक क्या बन गया सोचो, 21, तो 21 क्या मेरा इवेंट पूरा हो गया सोचो, नहीं, क्यों, अभी तक क्या बना, 2, और अगले को डाल कितने डिजिट नंबर बना, 2, बनाने कितना डिजिट नंबर है, तो इसलिए क्या लगेगा, इनटू, फिर D3 को डालने के लिए कितने तरीके होंगे सोचोगे आराम से, सोचोगे 3 वेज, क्यों 3 वेज, क्योंकि ना तो 2 आएगा ना ही कौन आएगा, 1 आएगा, कौन आएगा, तो 7 या फिर 9, या फिर मान लो 7 डाल दिया 217 नंबर बन गया, 217 क्या 3 डिजिट हो गया, तो मेरा इवेंट पूरा हो गया, तो टोटल वेज कितने हो गए सोचो, टोटल वेज 5 प्लस 4 प्लस 3, गलत हूँ, क्यों गलत हूँ, क्योंकि मैंने प्लस डाल दिया, क्योंकि मेरा इवेंट पूरा नहीं हुआ था, मेरा इवेंट पूरा नहीं हुआ था, इवेंट पूरा कब होगा, जब 5 × 4 × कितने वेज आ जाएंगे सोचो, और यहाँ पे कितने बनते हैं, 5, 9, 3, 12 वेज, तो टोटल वेज कितने बन गए, 60 वेज। अगर एक मिनट हुआ आपके पास तो एक चीज और दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखते हो तो रब करना पड़ेगा, इधर देखो मैंने कितने डिजिट नंबर बनाना था बताओ, यहाँ पे दिख जाएगा सोचना, चलो नहीं दिखेगा, D1, D2, D3, सुनना जरा, इसी को बोल रहा हूँ, तो किसको यूज करके बनाना है, देखो जरा क्वेश्चन में क्या क्या यूज करना है, 1 है और क्या, देखो 2 और 7 और ऊपर लिखा 1, 2, 7, 9, 6, तो क्या 127 नंबर बना सकता हूँ, बना सकता हूँ सोचो,
उन तरीकों में से कौन से तरीकों में से, उन 60 तरीकों में से एक नंबर क्या होगा? 127। क्या 122 बना सकता हूँ? नहीं, क्योंकि विद रिपीटेशन नहीं। क्या 172 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, सोचो। क्या 129 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। 126 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। सोचना जरा, मैं क्या समझा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। फिर 179 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। 176 बना सकता हूँ? 196, 217, 219, 216, फिर 271, 272, इन्हीं को यूज़ करना। सोचो आराम, सोचना हाँ या ना सोचना। 296, 269, 276, फिर 7, 1, 2, 7, 2, 1, बस इतने में आपको बात समझा दूंगा। 7, 9, 6 सारे नंबर बनेंगे। सोचो एक अदा और दे दो, क्या आ जाएगा? 9, 1, 2, 9, 6, 7, 9, 7, 2, फिर 6, 1, 2, ये बन जाएंगे, सारे बनेंगे। सोचो जरा, अब गिनना कितने मैंने लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अभी तक मैंने 22 लिखे हैं। फिर इसका आंसर 18 कैसे हो गया या 12 बेस कैसे हो गया? सोचो, ये तो वैसे ही गलत है। अभी तक मैंने कितने तरीके लिखे हैं? 21 बेस लिख दिए। तो तुम अगर प्लस करोगे तो कितने बेस बनते हैं? 12। तो 12 बेस बनने हैं, 12 से ज्यादा मैंने यही लिख दिया। सोचो जरा, तो कितने बेस बनेंगे टोटल मिला के? ये वो तरीका है। ये 60 का मतलब क्या है? ये 60 की गिनती क्या है? एक नंबर ये बनेगा, दूसरा नंबर ये बनेगा, तीसरा नंबर ये बनेगा, चौथा ये बनेगा, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, दसवां ये, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, इस तरह से 21वां। तो ऐसे टोटल मिला के पता कितने बेस बन जाएंगे? 60 बेस। ये मतलब है इसका। ये भी पता होना चाहिए कि 60 बेस का मतलब क्या है। तो ये सारे गिन लोगे, अगर सारे लिख लोगे, अभी कुछ लिखे नहीं आपको दिख रहा ना, कुछ मिसिंग है अभी। अभी 9 वाली लाइन इतनी ही चली, देखो 7 वाली लाइन है, 9 वाली में अभी दो ही तीन ही लिखे हैं। 6 वाली लाइन अभी चलाई नहीं थी, लगभग 6 वाली लाइन चलाई नहीं, जो 6 से स्टार्ट होंगे वो भी तो होंगे। तो ऐसे गिनोगे तो कितने बेस बन जाएंगे टोटल? तो वो 60 मतलब वो है, उसका 60 का मतलब है। तीसरा है, तीन रूल है टोटल, समझे हो? अगर आप क्वेश्चन पढ़ना घर पे आराम से, अभी मैं कराऊंगा अभी, अगर आपको लगेगा मेरा इवेंट पूरा हो गया तो प्लस करो, इवेंट पूरा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई करते जाओ। अब मुझे तो नहीं पता घर बैठे आपकी समझ क्या है, कि आपको क्या पता फील हो मेरा इवेंट पूरा हो गया है तो आप प्लस लगा के आंसर निकालोगे जो पीछे मैच नहीं होगा। पर समझ असली क्या होनी चाहिए कि वाक्य में इवेंट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद समझना। तीसरा रूल, तीन रूल होते हैं टोटल। कुछ कहना है तो कहो, फिर मैं आगे बोलता हूँ। कुछ बात कहनी है तो कहिए, फिर मैं आगे कराऊँ। तीसरा रूल तब लिखूँ। इन क्वेश्चन ना इसमें सब्ट्रैक्शन चलती है ना डिवीजन, टोटल चार पते ये बैथ में बेसिक रूल चार ही होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसमें सिर्फ दो ही चलते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, पर इसके ऊपर रूल तीन होते हैं। तीसरा रूल क्या है? ये मैंने क्यों लिखवाए हैं पता नहीं, कोई समझेगा कि नहीं समझेगा, पर मेरा मन ये कहता है कि 60 वेस तो आपको आंसर तो आ गया लिखना, 60 वेस और मल्टीप्लाई, पर 60 का मतलब क्या है? 60 का मतलब ये 60 है, इसमें से एक ये है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ऐसे गिनोगे तो कितने वेस बनेंगे टोटल? 60 बनेंगे टोटल, ना 61 ना 59, टोटल डिफरेंट डिफरेंट वेज 60 बनेंगे। अगर उसके बाद कोई बनाओगे तो उन्हीं 60 में से रिपीट होगा, जैसे मैंने वो दिखाया था एंटर और एग्जिट का, एंटर्स वन, एग्जिट वन, एंटर्स टू, तो टोटल 6 देख के बन गए, कोई छोटा एग्जांपल था वो। तो उसके बाद कोई बच्चा बोलता है एंटर टू एग्जिट टू लिख दो, तो मैं लिख दूंगा, पर वो क्या हो गया था? रिपीट हो गया था। तो 7 तरीके नहीं थे, 6 ही तरीके थे, मैंने ये बताया। अगला तीसरा है, ये मैं रब करूंगा तभी तीसरा बना पाऊंगा, बाकी तो देखो अपनी तरफ से एग्जांपल दिए जा रहे हैं, बुक के होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे दिए जाते हैं, उनकी लैंग्वेज जो होती है वो ज़्यादा फाइन होती है। तो मैंने अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसलिए शायद हो सकता है लैंग्वेज में आप इधर उधर हो जाए, जैसे मॉनिटर वाले में बताया था आपको। 3 है, कहते हैं इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई, फिर से आ गया एडिशन साइन, अभी तो बताया एडिशन साइन, दोबारा फिर से, हाँ दोबारा फिर से एडिशन साइन, ये मल्टीप्लिकेशन में इफ इन क्वेश्चन देयर एग्जिस्ट मोर देन वन केसेस, इसका मतलब नहीं समझा, अभी समझा रहा हूं। मोर देन वन केस दैट मीन्स देयर आर नंबर ऑफ केसेस, नंबर का मतलब एक से ज्यादा होता है, नंबर ऑफ केसेस, समझ में नहीं आया बता रहा हूं, ऊपर दूंगा एग्जाम्पल, रब करना पड़ेगा, क्या कर सकते।
बस समझ में आ गया, यहाँ तो इवेंट पूरा जब तक नहीं होता था तब तक मल्टीप्लाई, क्योंकि जेट वर्ड पे ध्यान दो, अगर इवेंट पूरा हो जाता था कंप्लीट पे ध्यान दो प्लस। वो कहता अगर एक से ज्यादा केस बन जाए, कैसे एक से ज्यादा केस बनेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी रब नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसी में आ जाऊँ, इतने से जगह में आ जाऊँ कंप्लीट वर्ड में। एग्जाम्पल एग्जाम्पल फाइंड ऑल द नंबर, लेस देन 1000 बाय यूजिंग चल पहले अपनी तरफ से कोशिश करना, सॉल्यूशन है पहले इवेंट लिखना सीखो। मैं इन तीनों को रब नहीं करना चाहता, एक बार रिवाइज करा दूंगा उसके बाद ही रब करूँ, तो इतनी जगह मैं एडजस्ट कर लूंगा अपने काम में। पहले आप इवेंट लिखो अपने तरीके से, जो आपको लगता है वो इवेंट लिखो, जो आपका मन कहता है, फिर आप अपने तरीके से वेज लिखो, फिर मैं अपनी बात को समझाऊंगा। आप 2 मिनट लो अपने आप लिखो, चाहे गलत लिखो पर लिखो जरूर, थोड़ा सा हिलाओ हाथ को तभी पता चलेगा, या फिर ये ऐसे नहीं हो सकता था, फिर वो बात पूछना। तो इवेंट क्या है, मुझे नंबर बनाना है लेस देन 1000, इवेंट बनाना है जो नंबर होगा लेस देन 1000 से छोटे। तो आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ, 1000 से छोटे 521 होता है 989 होता है। फाइंड ऑल द नंबर लेस देन 1000, 1000 से छोटे बनाने, तो 1000 छोटे 99 चलो मैंने लिख दिया विद रिपीटेशन है, विदाउट रिपीटेशन भी 1 मिनट के लिए लिख दिया। चलो मैं ये बात आपको इसके बाद समझाऊंगा, विद होता है विदाउट जब कुछ भी ना दिखा हो। मैंने मान लो विदाउट रिपीटेशन भी आपको लिख दिया, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं रिपीट करना। चलो मैंने ये भी लिख दिया, चलो तो आ गया 998। पर सोचना 1000 छोटे तो 51 भी होंगे, 1000 छोटे तो 6 भी होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा कि 1000 छोटे तो 3 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं, 4 डिजिट नंबर तो होंगे नहीं, 1000 से छोटे 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं D1 D2 D3। पर क्या 1000 से छोटे सिर्फ 3 डिजिट ही हो सकते हैं? नहीं, एक और केस बन सकता है। कौन सा केस? के 2 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं, सोचो जरा, वो भी तो 1000 से छोटे ही रहेंगे। उसने ये थोड़ा बोला कि 3 डिजिट नंबर ना हो, पर्टिकुलर थोड़ा बोला हुआ है, उसने बोला 1000 से छोटे चाहिए। क्या पता किसी बच्चे के दिमाग में 5112 आ रहा है, किसी के बच्चे में 51 आ रहा है, किसी बच्चे में 2 आ रहा है, ये तीनों ही नंबर क्या है 1000 से छोटे हैं। तो कहने का मतलब तीसरा केस क्या आएगा सोचो, केस 3 क्या आएगा सोचो, सिंगल डिजिट नंबर भी तो बन सकता है, सिंगल डिजिट भी तो आ सकता है सोचो नंबर। तो जब 3 डिजिट ना नहीं है, तो पहले डिजिट को बनने के लिए मैंने अब लिख दिया फिलहाल विदाउट रिपीटेशन, विद और विदाउट की डिटेल में बात करेंगे जब ये टॉपिक अलग से आता है मेरे पास, इसी चैप्टर इसी एक्सरसाइज में आता है। तो मान लो उसने बोलता है विदाउट रिपीटेशन, तो पहले को बनने के लिए कितने वेज होंगे 4, अगले को बनने के लिए कितने वेज होंगे 3, अगले को बनने के लिए कितने वेज होंगे 2, क्यों, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। और जब मैंने इसको 4 वेज से भरा, चाहे मैंने 2 भरा 5 भरा 7 भरा 9 भरा, तो मेरा इवेंट पूरा नहीं हुआ। क्यों इवेंट पूरा नहीं हुआ? क्योंकि अभी तो मैंने सिंगल डिजिट डाला था, मल्टीप्लाई क्यों लगाऊंगा, इवेंट इज येट टू अभी कंप्लीट होना बाकी है। तो 4 3 2 थोड़ा कितने वेज बन जाएंगे 24 वेज बन जाएंगे। 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो 2 डिजिट को डालने के लिए कितने वेज बन जाएंगे सोचो, पहले D1 को डालना है तो D1 को डालने के लिए कितने वेज बनेंगे सोचो जरा, D1 को डालने के लिए या तो 2 डाल दूंगा या 5 या 7 या 9, कितने वेज बनेंगे 4 वेज। अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ, इवेंट पूरा होना बाकी है, तो अगले को डालने के लिए कितने वेज रह जाएंगे सोच लो, अगले को डालने के लिए 3 वेज रह जाएंगे, तो टोटल वेज कितने हो गए सोचो, ये हो गए थे 24 वेज, ये कितने हो गए टोटल 12 वेज। और सिंगल डिजिट डालना तो कितने वेज होंगे, सिंगल डिजिट को डालने के लिए कितने वेज हो जाएंगे सोचो जरा, 4 वेज। तो टोटल वेज हर केस क्या होगा, ऐड होगा, हर केस ऐड होने का मतलब कितने केस होंगे 12, सो 24 प्लस 12 प्लस 4 कितने होंगे सोच लोगे 40, हर केस ऐड होता है ये समझा।
जितने भी केसेस बनेंगे सारे केसेस में क्या करते रहना, ऐड करते रहना, ये बात कही गई है इस क्वेश्चन में। तो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर मैं इसको बता दूँ, फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करा रहा हूँ। इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई एडिशन साइन, हम एडिशन साइन लगाएंगे, जितने केस बनते जाएंगे सारे केस में क्या लगता जाएगा, एडिशन साइन। दोबारा एक बार बताओ बच्चों, मोटी मोटी बात, तीन बातें, तीन रूल होते हैं इनको क्वेश्चन करने के लिए, हर किसी क्वेश्चन करने के लिए। कहता है एक बार रूल बता दो, इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई एडिशन साइन इफ इवेंट इज कंप्लीटेड एंड देयर इज अनदर वे टू डू दैट इवेंट, उसको करने कोई और तरीका हो तो एडिशन साइन। ये पहला रूल मैंने बताया था आपको खत्म। फिर मैंने क्या बताया है आपको दूसरी बात, इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेटिव साइन इफ इवेंट इज येट टू कंप्लीट, येट का मतलब आपने सोचना है कंप्लीट होना बाकी हो तो भी क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेटिव साइन लगेगा। फिर तीसरा मैंने बताया, इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई एडिशन साइन, इन क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, एडिशन साइन लगाएंगे कब, कहता है इफ देयर एग्जिस्ट नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस मतलब मोर देन वन केसेस। इन क्वेश्चन वी कैन अप्लाई एडिशन साइन इफ इन क्वेश्चन there are more than one case, that is there are number of cases, number of cases मतलब एक से ज़्यादा की केस बने, एक से ज़्यादा केस बने। तो जैसे find all the number less than 1000 without repetition, मैंने बोल दिया without repetition by using क्या करना था 2579, तो event क्या था number less than 1000 बनाना था। तो इसके अलग अलग केस बनते हैं, पहला केस या तो वो क्या बनेगा 3-digit number बनेगा, थ्री डिजिट नंबर, पहले डिजिट को डालने के लिए कितने वेज होंगे सोचो, जब पहले डिजिट को डालने के लिए चार, अभी इवेंट इज येट टू कंप्लीट, सोचना आराम से। अब जब मैं लिखूंगा तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी कि मल्टीप्लाई क्यों लग रहा है ऑडिशन पे में। फिर अगले को बनने के लिए फिर से चार वेज, ऐसे तीन वेज क्यों, विदाउट रिपीटेशन मैंने बोल चुका हूँ। फिर अगले को बनने के लिए दो वेज, तो कितने हो गए 24 वेज हो गए। पर एक केस ये भी बन सकता है, क्या बोला, केस टू के टू डिजिट नंबर बन जाए, टू डिजिट नंबर बन गए, चलो टू डिजिट नंबर बनाऊंगा तो उसको भरने के लिए कितने केस बनेंगे बोल दो, D1 D2, पहले को भरने के लिए चार केस, इवेंट अभी पूरा नहीं हुआ, इवेंट इज येट टू कंप्लीट, तो इसको भरने के लिए कितने तरीके हो गए, तीन वेज, तो टोटल कितने वेज हो गए 12 वेज। फिर लास्ट केस क्या बनेगा, सिंगल डिजिट नंबर बनेगा, तो सिंगल डिजिट नंबर बनेगा, सिंगल डिजिट नंबर बनेगा, सिंगल डिजिट क्या होगा D1, तो D1 को बनने के लिए देखना कितने दिखे रहेंगे, सोचोगे D1 को बनने के लिए कितने दिखे रहेंगे, चार वेज, तो टोटल वेज गिन लो तो टोटल वेज सब ऐड हो जाएंगे, केसेस हमेशा ऐड होते हैं ये बताया, 24 प्लस 12 प्लस 4 तो कितने वेज बन गए 40 वेज। पहला क्वेश्चन, हर केस ऐड होगा, बेसिक बात को पकड़ना तब क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक्सरसाइज है आपके पास 7.1 है, फर्स्ट कुछ मैं करा देता हूँ, कुछ आप खींच लेना, ठीक है, तो फिर काम चल जाएगा। बोल भी पढ़ भी, पहला क्वेश्चन पढ़ देते ही पढ़ते हुए। In a railway compartment, 6 seats are vacant on a bench. In how many? कहते हैं 6 seats vacant है on a bench के ऊपर in a railway compartment. एक railway book जरूर होनी चाहिए, पहले बोल रहा हूँ, उसके बिना मेरे से लिखना क्वेश्चन भी सॉल्व करना बड़ा हो जाता है। कहते हैं 6 seats are vacant है on a bench के ऊपर। चलो। In how many ways can 3 passengers sit on them? कितने ways से 3 बुक होनी चाहिए सभी के पास, पहले कह रहा हूँ, पैसेंजर्स सिट ऑन द बेंच। कह रहे कितने तरीकों से 3 पैसेंजर्स पे बैठ सकते हैं,
तो कहता है पहले तो इवेंट ढूंढो, इसमें से अगर आपको इवेंट ढूंढा जाए तो आप भी बताओ इवेंट क्या होगा। इवेंट ढूंढो, अगर आपसे इवेंट कैच हो जाए तो उससे बढ़िया बात नहीं है। चलो, तीन पैसेंजर्स को बेंच पे बिठाना है, ये मेरा काम है। बेंच पे बैठना, पर कितनों को? एक को, दो को, तीन को? से साफ लिखा हुआ है थ्री पैसेंजर्स, ये बिठाना मेरा काम है। थ्री पैसेंजर्स इस क्वेश्चन में, पैसेंजर्स सिट ऑन अ बेंच, बेंच ही लिखा हुआ ना। चलिए, तो आप इसके मुझे अलग अलग वेज ढूंढने हैं, अलग अलग देखिए क्या होंगी। आराम से सोचो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। छह सीट्स वैकेंट है, मतलब सीट वन बेंच के ऊपर, सीट टू, सीट थ्री, एस वन सीट के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो मर्जी आप लिख लो, चेयर वन, चेयर टू, या वैकेंट सीट वी वन वी टू, सीट फोर, सीट फाइव, सीट सिक्स, मतलब छह सीट्स हैं, समझ भी रहे हो? बेंच के ऊपर कितनी सीट्स हैं बताओ बैठने के लिए? छह जगह। और आपको काम क्या दिया गया है? तीन पैसेंजर को बिठाना है, तो आपको वेज ढूंढने बताओ। चलो, आप किस तरह से बिठाओगे बताइए जरा। चल, जो तेरा मन कहता है वो बिना घबराए। चल, तीन पैसेंजर्स हैं, मान लो आप क्या हो घर पे, मम्मी पापा ये बोल के चले गए भी तीन गेस्ट आएंगे, ये छह डाइनिंग टेबल की चेयर पड़ी हैं, इन पे आते ही बिठा देंगे, ठीक है? जब तक हम आ रहे हैं तो आप इन तीन को इन छह डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे बिठा देना। आएंगे तीन मेहमान, तो पहले मेहमान ने घंटी मारी, पहले गेस्ट ने, आपने क्या बोला कि कहता बैठ जाओ, तो पहला मेहमान बैठेगा तो क्या उसके लिए चेयर फिक्स की गई है? तो पहला पैसेंजर को बैठने के लिए कितने तरीके हैं सोचो जरा। फर्स्ट पैसेंजर कौन सी सीट पे बैठ सकता है? क्या इसी में बैठेगा? या आप स्कूल में जाते हो, मान लो पहले आप सबसे पहले बच्चे हो जो स्कूल के अंदर क्लास के अंदर एंटर किए, तो सारे बेंच खाली होते हैं, तो वैसे तो आप लोगों ने फिक्स करा हुआ 10th क्लास तक भी मेरी ये सीट, मेरी वो सीट, मेरी सहेली यहाँ बैठेगी, मेरा सहेला यहाँ बैठेगा, वो एक अलग बात है। बट अगर किसी नई जगह जाओ, कॉलेज में जाओ आप लोग प्लस टू के बाद, तो वहाँ थोड़ा आपकी सीट सारी है, तो आप कौन सी सीट बैठोगे? आपके मन करता है पहले बेंच पे बैठ जाओ, आपका मन करेगा लास्ट बेंच पे बैठ जाओ, तो पहले पैसेंजर को आना है, तो पहला पैसेंजर किस पे बैठेगा बताओ? पहले सीट पे बैठ सकता है, हाँ। दूसरी सीट पे बैठ सकता है, हाँ। तो पहले पैसेंजर के लिए कितने वेज होंगे? नंबर ऑफ वेज सोचो दैट फर्स्ट पैसेंजर सिट ऑन अ बेंच, कितने वे से बैठेगा सोचो जरा। पहला पैसेंजर आया पिक डी वन, तो यहाँ बैठ सकता है, हाँ, पर यहीं बैठेगा, इसका कोई ठप्पा नहीं लगा होगा, वो यहाँ भी तो बैठ सकता है, 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 तो पहले पैसेंजर के पास कितने वेज हैं? छह वेज। क्यों? सारे के छह के छह बेंच खाली थे, मतलब छह की छह सीट्स खाली थी उस बेंच के ऊपर, तो उसका मन करता था पहले पे बैठ जाता, उसका मन करता छठे पे बैठ जाए। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ बेंचेस लगे होते हैं, तो वहाँ क्या था कि पहले पे बैठना आपको, जहाँ मर्जी आप बैठो। तो फिर क्या मेरा इवेंट पूरा हो गया? सोचो, पहले पैसेंजर को बैठाने के लिए छह तरीके हैं सोचो, तो दूसरे पैसेंजर के पास कितने वेज होंगे कि दूसरा पैसेंजर बैठ जाएगा सोचो जरा। तब भी छह तरीके होंगे, क्यों? उसकी गोदी में भी तो जाके बैठ सकता है, नहीं तो कितने वेज रह जाएंगे सोचो? फाइव वेज, जो एक सीट ऑक्यूपाई होगी वो दोबारा नहीं चलेगी, इसमें अंडरस्टूड है, विदाउट रिपीटेशन है। फिर थर्ड पैसेंजर को बैठने के लिए सोचो कितने तरीके होंगे बेटे बताओ? फोर वेज। अब सोचो टोटल वेज ढूंढना है, टोटल वेज पहले पैसेंजर को छह वेज हैं, क्या मेरा इवेंट पूरा हो गया है? हो तो गया, बैठ तो गया पैसेंजर, पैसेंजर बैठ तो गया, इवेंट पूरा तो हो गया है, इवेंट इज कम्प्लीटेड तो हो गया है, इवेंट इज कम्प्लीटेड हो तो गया है, हो गया इवेंट पूरा? नहीं, अभी तो कितने पैसेंजर बैठे? एक बैठा है, तो मैं क्या लगाऊंगा? प्लस लगा दूं? नहीं, क्यों नहीं लगा सकता हूं? इवेंट इज येट टू, क्यों येट टू कंप्लीट? पहले अपना इवेंट तो पढ़ो, इवेंट क्या था? तीन पैसेंजर को बिठाना, तो बिठाए अभी कितने? एक, तो इसे प्लस नहीं लगेगा, क्या लगेगा सोचो? अगले को बिठाने के लिए, अगले को उठाने के लिए कितने वेज हो गए बताओगे? ये मतलब ऐसे सोचना क्वेश्चन के, कि प्लस लगाऊंगा कि मल्टीप्लाई, ये बस क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज का लॉजिक है, और यही हम आगे आने वाली एक्सरसाइजों में लगाना है। तो ये एक्सरसाइज बनाई पर्टिकुलर ये गई ताकि बच्चा सीख सके प्लस माइनस, अभी कोई और फंडा नहीं दिया गया। जब हम 7.4 में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कौन सी? परमुटेशन, क्योंकि 7.3 याद करो परमुटेशन थी अगर आपने किया, तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, तब हम अरेंजमेंट सीखेंगे, पर हम मल्टीप्लाई प्लस नहीं सीखेंगे, तुम्हें खुद लगाने पड़ेंगे क्योंकि तुम इस एक्सरसाइज में करके जा रहे हो, मतलब यही सारी चीज वहां जाएगी, पर इससे ऊपर का लेवल हो जाएगा, उसमें तुम्हें अरेंजमेंट समझनी है कि अब चार बच्चों को बिठाऊं या तीन को बिठाऊं, या आगे बैठ सकती है, पीछे बैठ सकता है, कोई इधर कर सकता है, शफलिंग जिसको आप बोलते हो, तो वो हम वहां सीखेंगे। प्लस और मल्टीप्लाई लगेगा हर क्वेश्चन में, पर वो अपने दिमाग में आपके फास्ट
लगना शुरू हो जाएगा। अभी प्लस लगाऊं कि मल्टीप्लाई, वहां सिखाएंगे नहीं कि आप प्लस क्यों लगाया कि मल्टीप्लाई क्यों लगाया, वो यहां सिखा रहे हैं पूरा आराम से। तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ भाई। John wants to go abroad by ship and return by air. चलो एक जोन है, जॉन, जॉन, जॉन सुना हुआ है, उसमें आता है मोटू पतलू में भी जॉन। चलो बता भाई, जॉन क्या कहना चाहता है? जॉन वांट टू गो अब्रॉड, वांट टू गो अब्रॉड, कहता है जाना वो शिप से जाता है और कम बैक बाय एयरलाइन से कम बैक होना चाहता है। जॉन वांट टू गो अब्रॉड बाय शिप एंड कम बैक बाय एयरलाइन ना? यस, बस जो भी है वो एयरलाइन से वापस आना चाहता है। मोटी मोटी बात है, बाकी बुक में से पढ़ लो। बोलो भाई कितने शिप हैं वहाँ पे जाने के लिए? चार, six different ships to go and four airlines to return. छह शिप्स हैं to go and four airlines to return. चल आगे बढ़ो जरा। In how many ways can he perform his journey? In how many ways he perform his journey? बाकी तो बुक में क्वेश्चन होते हैं, वहां से आप पढ़ोगे। तो कहता है एक बंदा है जो अब्रॉड जाना चाहता है शिप से, बनाना चाहता है एयरलाइन से, कितने तरीकों से जर्नी को कंप्लीट करेंगे? तो भाई जर्नी तो आप समझते हो, मान लो आप शिमला जाना चाहते हो घूमने के लिए, जर्नी करने के लिए, तो ये थोड़ा ना यहाँ से शिमला जाओगे वहीं जाके बैठ जाओगे, भाई मैं तो नहीं घर वापस जाऊँगा, वो मैं तो यहाँ पत्थर मार के बैठ गया हूँ, वहाँ दरी बिछाई और वहीं बैठ गए, ऐसे थोड़ी ना होगा। वापस भी तो आओगे। जर्नी का मतलब ए से बी जाना, बी से वापस ए भी आना, सोचना जर्नी कंप्लीट का मतलब किसको बोलते हो? तो कंप्लीट इस जर्नी या परफॉर्म इस जर्नी एक ही बात है, ये नहीं जहाँ गए वहीं जाके बैठ गए, अब तो नहीं मैं वापस जाते, पढ़ना पड़ेगा वहाँ जाके। तो क्या होता है, ए से बी गए तो बी से वापस क्या आए, ए में आए, तो कंप्लीट उसको बोलते हैं जर्नी करना। तो चलिए जाने के लिए उसने बोल रखा है, पहले इवेंट आपने ढूंढना है, इवेंट मुझे बताओगे आप ही, इसमें आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में इवेंट क्या है, फिर भी इसके बाद में गो अब्रॉड बाय शिप एंड रिटर्न, मतलब गो अब्रॉड बाय शिप और रिटर्न बाय, मतलब कंप्लीट हिज जर्नी, ठीक ही तो बात होगी। अब्रॉड चाहे जहां मर्जी जाए, तो जाए चाहे शिप से, तो कंडीशन होगी कि शिप से जाना है और एयरलाइन से क्या आना है वापिस, पर मोटा मोटी बात वो क्या कहना चाहते हैं इसमें, काम क्या दिया है कि उसकी जर्नी कंप्लीट हो जाए, उसका हॉल रूम क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए, चाहे वो पहले से एंटर करें चाहे वो दूसरे से एंटर करें, क्या मतलब है। तो कंप्लीट हिज जर्नी, तो कंप्लीट हिज क्या करना चाहते हैं जर्नी, जैसे वो था क्या भला, क्या था वो, कि वो हॉल को क्रॉस करना चाहते हैं, हमारा क्या मतलब कि किससे करी, तो शिप है तो मेरी शिप थोड़ी ऐसी बनेगी, S1 शिप है, ये S2, तो S3 है, तो S4 है, चार छह शिप्स दे रखी हैं आपको जाने के लिए, थोड़ा रफ सा देखें, शिप 3, शिप 4, शिप 5, एयरलाइन 1, एयरलाइन 2, एयरलाइन 3, एयरलाइन 4, हमें टोटल वेज गिनना भी, कितने टोटल वेज हैं। तो चलिए भाई, तो गिना भाई वेज, वेज कहता कितने होंगे, टोटल वेज हमें गिनने पड़ते हैं, तो वेज कहता क्या बता दे जो तुझे लगता है, प्रैक्टिकली सोच ले बुक में से क्या बताओ वेज। हाँ, आपके पास मान लो छह शिप से जाने के लिए टाइमिंग अलग लगेगी, 2 बजे जा रही है, 3 बजे जा रही है, 3:30 जाएगी, 4 बजे शिप जो निकलेगी, समझ रहे मेरा मतलब, और वहां से एयरलाइन आने के लिए भी अलग अलग टाइमिंग, सुबह निकलेगी दोपहर शाम, बताओ आप शिप से जाते हो एयरलाइन से वापस आ जाते हो, तो आप पहले बताओ किससे जाओगे, बताओ जो आप काम करोगे बस वो आपको बोलना है, अपने आप ही आंसर आता जाएगा। बोलो आंसर तो नहीं, टोटल कोई एक तरीका बता दो, एक तरीका शिप वन से जाएगा और एयर वन से वापस, शिप वन से जाएगा मान लो और एयरलाइन वन से वापस आ सकता है, आ सकता है सोचो, तो पहली शिप पे बैठ के चला गया ब्रो और पहली एयरलाइन से वापस आ गया, तो कहता है एक तरीका कहता है ये हो गया। अब क्या लगता है ये पहला तरीका क्या है, शिप वन से जाएगा एयरलाइन वन से वापस आ जाएगा, शिप वन से गया और एयरलाइन वन से, शिप वन से गया एयरलाइन वन से कम बैक हो गया, तो क्या इवेंट पूरा हो गया क्या आपका, सोचो जरा क्या इवेंट पूरा हो गया, ये एक तरीके से क्या इवेंट पूरा हो गया है। yes. मल्टीप्लाई लगाऊंगा एडिशन साइन लगाऊंगा, सोचो जरा एडिशन,
क्यों लगाऊंगा एडिशन? क्योंकि मेरा इवेंट क्या हो गया? इवेंट था क्या? इवेंट इज कंप्लीटेड. अगर आपको लगेगा तो प्लस लगा देना, लगेगा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई लगाना. अब पहले सोचो इवेंट पूरा हुआ है कि नहीं हुआ. मैं शिप वन से गया, एयरलाइन वन से वापस आ गया, मेरा इवेंट क्या था? कंप्लीट इज जर्नी. क्या मेरी जर्नी पूरी होगी? मैं इंडिया से गया था अब्रॉड, अब्रॉड से वापस इंडिया आ गया, तो मेरी जर्नी पूरी होगी. तो क्या इसको करने कोई और तरीका है? हाँ है. क्या तरीका है? शिप वन से ही जाऊँ पर एयरलाइन किससे वापस आ जाऊँ? टू से आ जाऊँ. एक तरीका ही हो गया. शिप वन से जाऊँगा एयरलाइन वन से, शिप वन से एयरलाइन टू से, शिप वन से एयरलाइन थ्री से, शिप वन से एयरलाइन. तो चार तरीके तो कहता है यही हो गए. सोचो प्लस. पर क्या सिर्फ यही अलग अलग तरीके हैं? और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा? है. कौन सा तरीका है? शिप टू से जाऊंगा. एयरलाइन किससे आ सकता हूँ? वन से. पर हर बार मेरा इवेंट पूरा हो रहा है, पर अटेम्प्ट मैं एक करूंगा. पर मेरे पास वेज कितने बनते जा रहे हैं अलग अलग? सोचो तीनों चारों बातें बोल गया. हर बार मेरा इवेंट क्या हो रहा है? पूरा. और मैं अटेम्प्ट क्या करूंगा? कोई एक तरीका, कोई एक वेज. पर मैं गिनूंगा कितने? सारे. तो गिनूंगा कितने? शिप टू से शिप वन, शिप टू एयरलाइन टू, शिप टू एयरलाइन थ्री, शिप टू एयरलाइन. तो चार तरीके ही हो गए. सोचो चार इकट्ठा लिख दिया. फिर अगला क्या लिखूंगा? शिप थ्री से जाऊंगा. ऐसे ही क्या होंगे? चार तरीके ही हो जाएंगे. फिर शिप फोर से जाऊंगा, तब भी कितने तरीके आएंगे? चार. क्यों? शिप फोर एयरलाइन वन. जैसे ही चार तरीके अलग अलग लिखे हुए, फिर चार, फिर चार. तो कितने टोटल वेज हो गए? सोचो हर एक वे क्या आएगा? एडिशन साइन. क्यों? इवेंट मुझे पूरा मिलता हुआ नहीं होगा तो मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा. बड़े बेसिक सी बात है ये. इस पूरी एक्सरसाइज की गेम है. फिफ्थ है, कर लो आप नोट में. फिर फिफ्थ कराऊँ, फिर सेवन्थ कराऊँ, फिर होमवर्क दे रहा हूँ आपको. एक्सरसाइज को पढ़ो, करो एग्जांपल पढ़ो, फिर मैं आगे चलाऊँगा. इसमें थोड़ा टाइम लग ही जाता, उसमें नहीं इतना लगता. ये तो मैं ही कराऊँगा आपको. पाँच दस मिनट और अभी भेज रहे हैं, पाँच मिनट और दो क्वेश्चन और कराऊँगा. इसमें टाइम लग जाएगा. पहले तो 7.1 में, 2 में, 3 में और 7 में नहीं लगा. वो तो कैलकुलेशन करनी होती है, आप करते रहो अपने आप बैठ. इसमें थोड़ा समझाना होता है, टाइम लग जाता है. मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजें हैं जो स्कूल लेवल पे आती है, 7.4, 7.5, 7.8. एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठप्पा लगा लूँ. दोबारा लिख रहा हूँ, एलिमेंट्स की 7.4, 7.5, 7.8. एक क्वेश्चन आएगी. पर 7.4 तभी करोगे जब ये प्लस मल्टीप्लाई पता चलेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा. बाकियों में से जो कराए थे एक दो नंबर का आते थे, कोई चार से पाँच का, किसी स्कूल में पाँच का आता है. अलग अलग स्कूल में अलग अलग वेटेज होते हैं इस टॉपिक की, पर टॉपिक अच्छा होता है. चलो अगला पढ़ते हुए पाँचवा पढ़ रहे. एक कमेटी दी हुई है 8 पर्सन की, मतलब 8 लोग हैं आपके पास. पुरानी नई बुक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कमेटी दी हुई है और 8 पर्सन्स की. चल, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन. कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट अ चेयरमैन एंड, और नहीं है, एंड वाइस चेयरमैन. मुझे ये मोटा मोटी बात. Assuming one person cannot hold more than one position. कंडीशन दी हुई है क्या कि एक एक कैंडिडेट से ज्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं करेगा, तो जो एक बार चुना गया वो दोबारा किसी दूसरी पोस्ट के लिए नहीं चुना जाएगा. Assuming that a person cannot hold more than one position. एक पोजीशन से ज्यादा वो होल्ड नहीं कर पाएगा. एक बंदे को एक ही पोजीशन मिलेगी. ये नहीं, वो चेयरमैन भी बन जाए, वाइस चेयरमैन भी बन जाए, प्रिंसिपल बन जाए, वाइस प्रिंसिपल बन जाए, ऐसा नहीं है. चलिए इवेंट क्या है बता गुड़िया, जो तुझे लगता है, जो इवेंट तुझे लगता है वो बोल दे. आराम से सोच के जो हमें लगता है हम तो वही बोलेंगे. गलत ठीक तो बाद में सोचेंगे. दो पर्सन सिलेक्ट करने हैं, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. तो कहता है दो पर्सन सिलेक्ट करो. एक नहीं, दो पर्सन हो गए क्योंकि अलग अलग पोस्ट हैं. अलग दो पर्सन, वही आप जो बोल रहे हो, सिलेक्ट करने आज चेयरमैन. टू पर्सन आर सिलेक्टेड, एक ही बात होगी. ऑब्वियस ही बात है, उनकी जो होता है, उनकी जो अपनी पोस्ट है वो चेयर और वाइस चेयरमैन. वो आप जैसे लिखो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सिलेक्टेड, वो तो मैं वैसे ही क्या हूँ, वो हार्डली मैटर्स हूँ. वो उस पर मत जाओ कि मैंने क्या लिखा है. बस दो पर्सन वेज हमने चुनने हैं. चलिए अब उन्हें चेयरमैन को चुनना है या वाइस चेयरमैन को. नंबर ऑफ वेज दैट चेयरमैन इज सिलेक्टेड.
कहते हैं चेयरमैन को सिलेक्ट करना है, तो कितने वे से करेंगे? तो मेरे पास पर्सन कितने हैं आपके पास, सोचो जरा, मेरे पास पर्सन कितने हैं जिसमें मुझे चुनने हैं, वो मुझे देखने हैं आपके पास। तो क्या है टोटल नंबर ऑफ विजिट चेयरमैन सेलेक्टेड, कितने पर्सन है? पर्सन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या 8 हो गया? 8 को चेयरमैन सेलेक्ट कर लूंगा? नहीं, तो मेरे को चेयरमैन सेलेक्ट करना है, तो पर्सन 1 को चुनूंगा या पर्सन 2 को या पर्सन 3 को? ये कहाँ लिखा है कि पर्सन 5 चेयरमैन होना चाहिए? ये कहाँ लिखा है कि सुमित चेयरमैन होना चाहिए? कोई पर्टिकुलर थोड़ा बताया, उसने बोला चेयरमैन को चुनो। तो चेयरमैन को जब मैंने चुनना है तो कौन से को चेयरमैन चुनूंगा? या तो मैं भी पर्सन 1 को भी चुन सकता हूँ या पर्सन 5 भी चेयरमैन हो सकता है, क्योंकि मतलब मेरे तो फ्री है। तो मैं आइदर 1 को चुनूं या 2 को या 3 को या 4 को या 5 को या 6 को। तो नंबर ऑफ वेज दैट इज चेयरमैन इज सिलेक्टेड, कितने वे से चुनोगे सोचो? 8 वेज है आपके पास। या तो आप क्या चुनोगे, नंबर 1 वाला चुनोगे या फिर नंबर 2 वाला चुनोगे या फिर नंबर 8 वाला चुनोगे, कोई भी आप चुन सकते हो। तो 8 वेज हो गए। तो नंबर ऑफ वेज दैट वाइस चेयरमैन इज सिलेक्टेड, वाइस चेयरमैन को सेलेक्ट करना सोचो। अब वाइस चेयरमैन को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 8 ही तरीके होंगे सोचो जरा। नहीं, क्यों? उसने बोला हुआ है कि दैट ए पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, द एक पर्सन इससे ज्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता। तो क्या होगे इससे हमें? तो टोटल वेज सोचो जरा कितने होंगे, टोटल वेज कितने होंगे? 8 प्लस 7 कितने होंगे सोचो जरा? 15 वेज। 8 प्लस 7 कितने होंगे? 8 प्लस 7, 8, 7 ऐड कर दो, 8, 9, 10, 11, 12, 55, 56 वेज प्लस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। क्यों मल्टीप्लाई आएगा? इवेंट इज अभी पूरा कहाँ हुआ है? क्यों 8 तरीकों से चेयरमैन को चुना तो मेरा इवेंट पूरा नहीं हुआ? और लिख रहे हैं मल्टीप्लाई, पता है मुझे, दो मिनट वेट करो जरा। इवेंट इज, तभी मैंने 56 लिखा, से नहीं 56 लिख दिया मैंने, येट टू कम्प्लीट। यहाँ देखो मैंने आंसर, देखो क्या लिखा हुआ, फिर ये देखो, मैंने अगर प्लस लिखा होता तो मैं फिर कितने लिखता, 15 थोड़ा लिखा मैंने, 56 इसलिए लिखा। तो अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ सोचो, इवेंट इज येट टू कम्प्लीट, अभी कम्प्लीट होना बाकी है। तो क्या लगाऊंगा सोचो जरा इधर, बस यही तो इस पूरे एक्सरसाइज की गेम ही है, आंसर तो छोटे छोटे से। कोई बात नहीं, या तो एक चेयरमैन को चुनना है या क्या चुनना है, वाइस चेयरमैन को, अज्यूम दैट, ये तो आते ही ना फिर, वो तो कोई बात ही नहीं है सोचो। तो या तो चेयरमैन को चुनूंगा या वाइस चेयरमैन को। तो नंबर ऑफ वेज अ चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड, कितने वे से चुनता है चेयरमैन को? 8 वे से। उससे बोला है या फिर मैं किसको चुनूंगा, वाइस, और का मतलब समझते हो दोनों, एंड का मतलब क्या होता है, चेयरमैन भी एज वेल एज। तो वाइस चेयरमैन को कितने वे से चुनूंगा सोचो, वाइस चेयरमैन कितने वे से चुनूंगा बताओ जरा, 8 वे से सोचो जरा, 8 वे से सोचो जरा। सोचना जरा, वो कह रहा है या तो चेयरमैन को सिलेक्ट करोगे या वाइस चेयरमैन को। मान लो तुमने चेयरमैन को सिलेक्ट कर लिया, फिर वाइस चेयरमैन को क्यों सिलेक्ट करोगे सोचो? आप या तो किसको चुनोगे, चेयरमैन, या फिर किसको चुनोगे, वाइस चेयरमैन। मान लो 8 बंदे थे, आपने इसको चेयरमैन चुन लिया, तो कितने में से चेयरमैन को चुनोगे? 8 में से। और वाइस चेयरमैन को? 8 में से चुनेंगे नहीं। अगर वाइस चेयरमैन को चुनोगे, मान लो वाइस चेयरमैन चुन लिया आपने 8 में से, तो चेयरमैन को कितने में से चुनोगे? तो कितने में से टोटल आएगा इसका आंसर?
इसका आंसर आएगा पूरे का 8 वेज। चाहे वो चेयरमैन चुन लोगे तो वाइस चेयरमैन नहीं चुन पाओगे, वाइस चेयरमैन चुनोगे तो चेयरमैन कहाँ से चुन लोगे? सोचो आंसर कितना आएगा, उसका आंसर 8 आएगा। उसने बोला ना और बीच में, आप और का मतलब क्या हुआ? अब मैं 8 प्लस इसको भी 8 लिख दूं तो 8 प्लस 8 कितने लिख दूं? सोचो 16 वेज। तो 16 वेज क्या हो गए? एक चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को चुनने के लिए, तो चेयरमैन को चुनने के लिए कितने हो गए? मतलब आप सोचना 16 वेज, एक मिनट के लिए किसी के दिमाग में आए तो मैंने क्या चुनना है? चेयरमैन और क्या चुनना है? वाइस चेयरमैन। तो मैंने चेयरमैन चुना मान लो, वाइस चेयरमैन नहीं चुना, तभी तो और लगेगा। रोहित और सुमित, रोहित और सुमित का मतलब बताओ क्या हुआ? या तो रोहित आएगा सुमित नहीं आएगा, या सुमित आ जाए और का मतलब समझते हो? कोई है तो चेयरमैन चुनूंगा तो वाइस चेयरमैन नहीं चुनूंगा, तो उसका आंसर 16 लिख दो अगर मैं, तो इसका मतलब मैंने 16 बेसिक केस को चुन लिया चेयरमैन को, तो कैसे चुनूंगा? एक एक बंदे के दो दो हिस्से थोड़ा कर दूंगा बीच में से काट के। सोच के देखो, बंदे तो 8 ही हैं, तो मैंने चेयरमैन को चुने तो वाइस चेयरमैन को नहीं चुनूंगा, तो इसको चुने के 8 वेज, इसको चुने के 0 वेज, तो जब चुना ही नहीं सकता। या फिर इसको क्या करूंगा? वाइस चेयरमैन को चुनूंगा पर चेयरमैन को नहीं चुनूंगा, पर कोई एक काम करूंगा एक टाइम में, तो कितने वेज होंगे टोटल? 8 वेज। चल करके लास्ट वाला बोल दे रहा है, एक और क्वेश्चन बोल दे, 7th क्वेश्चन चले जैसे, फिर अपने आप करेंगे पूरी सैंपल होंगे। चल A team consists of 6 boys and 4 girls. A team consists of? A team consists of. कहता है एक टीम दी हुई है, consists of him. 6 boys and 4 girls. 6 boys हैं and 4 girls हैं. चल. And the other has. A team B है, other team है, एक और team है. 4 boys हैं. 5 boys. Girls कितनी हैं? 3. चलो बोलो। How many single matches can be arranged between the two teams? How many? कितने single matches can be arranged कर सकते हो आप? Between the two teams. Such that इन दोनों टीम के बीच में जब boys play against boys, जैसे दिया हुआ है? Yes sir. Boys का मैच boys के साथ होगा and girls play against girls, ऐसे दिया, boys play against boys and girls play against girls, ऐसे दिया। मतलब boys boys के साथ ही मैच लगा पाएंगे, और है क्या single matches, कितने single matches आप खेल सकते हो? 1-to-1 बोलेंगे single matches का, या सिंगल मैचेस का मतलब 2 vs 2 नहीं है, 2 boys vs 2 नहीं है, जैसे बैडमिंटन या टेबल टेनिस में होते हैं, ऐसे नहीं है। सिंगल मैचेस कहते हैं कितने काउंट है, तो पहले तो हम इसमें से क्या ढूंढेंगे? इवेंट। तो सबसे पहला तो इवेंट ढूंढना है, सॉल्यूशन। बाकी बुक में से क्वेश्चन पढ़ना, मैं बीच में थोड़ी देर लाइने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। इवेंट बता क्या क्या कह रहा है इसमें, आपको जो लगता है आप इवेंट बोलो, क्वेश्चन पूरा पढ़ के। जो आपको लगता है वो आप इवेंट बोलो, सारे बोलो, आप लोगों ने नहीं बोलना क्या? आप लोग बोलो, जो पढ़ो क्वेश्चन को आप बुक में से, जो आपको इवेंट लगता है आप अपनी बात बोलो, ठीक होगा गलत होगा बाद में देखेंगे। बोलो विश, एक टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज 4 गर्ल्स, ये तो इवेंट हो नहीं सकता। दूसरी टीम क्या करती है? 5 बॉयज 10 गर्ल्स, ये भी इवेंट नहीं हो सकता। कितने सिंगल मैचेस आप अरेंज करोगे सच दैट बॉयज प्ले अगेंस्ट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले अगेंस्ट गर्ल्स? तो क्या है इसमें इवेंट? बॉयज प्ले अगेंस्ट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले अगेंस्ट गर्ल्स। तो इवेंट क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ कितने सिंगल मैचेस, टोटल मैचेस हमें गिनने हैं। वो तो कंडीशन है कि बॉय के बॉय के साथ लगाना है, और गर्ल्स को किसके साथ लगाना है? गर्ल्स के साथ। सिंगल मैचेस, तो कितने मैच हो सकते हैं टोटल, ये हमें काउंट करना है।
वो कंडीशन है कि बॉयज किसके साथ नहीं खेल सकते, मतलब बॉयज बैठे गर्ल्स बैठे, तो बॉयज एक टीम ये बैठी है, मान लो इमेजिन को एक टीम ये, इसमें 6 बॉयज 4 गर्ल्स, इसमें 5 बॉयज और 3 गर्ल्स, तो बॉयज किसके साथ खेलेंगे, बॉयज गर्ल्स के साथ नहीं खेल सकते, यही तो कहा हुआ है, तो कंडीशन ही है, तो दो केस बनेंगे, सोचो जरा, सोचो केस वन, केस वन है केस वन है बॉयज वर्सेस बॉयज, और दूसरा केस क्या आएगा, केस टू है गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स, यही कह रहा ना, सोचो बॉयज इसकी टीम का एक बॉय है, इसकी टीम के बॉयज साथ ही खेलेगा, तो टीम ए में कितना है, मान लो दो टीम है, टीम ए है टीम बी है, टीम ए में कितने बॉय दे रखे हैं, बॉय वन बॉय टू बॉय थ्री बॉय फोर बॉय फाइव बॉय सिक्स, और टीम बी में कितने बॉय दे रखे हैं, बॉय वन बॉय टू बॉय थ्री बॉय फोर बॉय, तो कैसे खेलोगे बताओ, पहला बॉय आएगा किसके साथ खेलेगा बताओ, बताओ इसका एक बॉय किसके साथ खेलना चाहता है, इस टीम का बॉय वन के साथ खेल सकता है क्या, खेल सकता है, अगर इसके साथ खेल लेगा एक मैच, मान लो मैंने इस टीम के बॉय के साथ खेल लिया, क्या मेरा इवेंट पूरा हो गया, सोचना जरा, क्या इवेंट पूरा हो गया क्या, सोचो जरा आराम से सोचिए, कि आप एक गेम के रेफरी आपको बना दिया गया और ये दो टीमें आपको दे देगी, टीम ए टीम बी दे देगी, टीम ए में बॉयज जो हैं वो बॉय वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और बॉय वन टू थ्री फोर फाइव टीम बी में है, तो आपको कहता है टोटल सिंगल मैचेस आपको गिनने के तक कितने हो सकते हैं, तो मान लो बॉय वन ने इसके कहते हैं इस बॉय के साथ एक मैच खेल लिया, तो क्या आपका इवेंट पूरा हो गया कि नहीं होगा, आपको ये देखना है, मैं यहाँ पे वेज लिख रहा हूँ, तो कहता है एक तरीका ये हो गया कि आपने क्या कर दिया, बॉय वन को बॉय वन के साथ खिला दिया टीम ए के टीम बी के साथ, ये कौन सा है टीम ए का, ये कौन सा है टीम बी का बॉय, तो आपको अगर लगेगा एक तरीका ये हो गया, प्लस या मल्टीप्लाई डिपेंड करेगा आपका इवेंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, अब ये सोचो इवेंट क्या कंप्लीट हो गया कि येट टू कंप्लीट है, ये आपको सोचना है, इवेंट इज येट टू कंप्लीट है, ये आपको सोचना है, चल भी जब मैंने इस बॉय को इसके साथ खिला दिया तो क्या मेरा इवेंट पूरा हो गया है, क्या मेरा एक सिंगल मैच हो गया है, इवेंट क्या था, तो क्या मेरा एक मैच काउंट होगा, तो क्या मतलब हुआ इवेंट इज, पर उसको करने का कोई और भी तरीका है, क्या होगा इस बॉय को किसके खिला लूँ, तो एक मैच ये आ गया, फिर इस बॉय को किसके खिला दूँ, फिर एक मैच ये आ गया, फिर इस बॉय को किसके खिला लूँ, तो इस मैच ये आ गया, फिर इस बॉय को किसके खिला लूँगा, तो मतलब पहला बॉय कितने मैच खेल सकते हैं, 5, फिर अगला मैच अगला बॉय खेलने के लिए कितने तरीके होंगे, सोचो जरा 5, फिर अगले को 5, फिर अगले को 5, फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5, फिर अगले को 5, टोटल फेज कितने बन गए, सोचो 30 फेज, सोचो अब दूसरा केस क्या बनेगा, गर्ल्स प्ले अगेंस्ट, तो गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, और अगला क्या आएगा बताओ, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, तो पहली गर्ल को बैठाने के कितने तरीके होंगे, सोचो जरा 3, फिर अगली गर्ल के लिए 3, तो हर बार इवेंट क्या होगा कंप्लीटेड, जब इवेंट पूरा हो जाएगा तो क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे या मल्टीप्लाई लगाओगे, सोचो पहले करने के लिए 3, तो आपको अगर लगेगा इवेंट पूरा हो गया तो प्लस लगा देना, इवेंट इज कंप्लीटेड, तो अगले को भी 3, अगले को भी 3, अगले को भी 3, कितने हो गए 12, तो टोटल वेज क्या होंगे, सोचो पहला केस ये था, दूसरा केस ये, तो केसेस हमेशा क्या होते हैं बताओगे, अभी बताया था, तो अब इसमें सभी के एग्जाम्पल आगे सोच लो, 30 ये बने थे, 12 ये, टोटल कितने होंगे सोचो, तो तीनों के एग्जाम्पल आगे, जो तीनों 32 कर दिए, समझ भी रहे हो, तो ये मतलब है इसका, पढ़ लो आराम से, देखना जो पूछना होगा तो बोलो आपने।